बोले हे नंद बाबा, तुम्हारी जो बेटा है ये हर युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, लेकिन जब ये कलि युग आएगा ये श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि श्रीमान महाप्रभु का रूप में आएंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन को ये प्रचार और प्रसार करेंगे। लेकिन अभी जो तुम्हारी लाला है ये कृष्ण रूप में ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया, इसलिए इसका एक नाम होगा, कृष्ण नाम होगा। देखो ये द्वापर युग की कथा है। श्री गर्गाचार्य जी कृष्ण कलि युग में श्री महाप्रभु का रूप में आएंगे, उन्होंने पहले ही बोल करके रखा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर मोदी मानो आएगा वो ऐसे नहीं आ जाएगा, पहले न्यूज पेपर में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगी, सब जगह में प्रचार हो जाएगा, इतने बजे फ्लाइट में अमुक जगह से अमुक स्थान पर मोदी आने वाले हैं। देखो साधारण एक प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसके लिए कितने प्रचार प्रसार होता है, तब भी जाकर के आते हैं। अगर ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान स्वयं अगर आएंगे वो ऐसे नहीं आ जाते, इसलिए हर शास्त्र में पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे ये बहुत सारे शास्त्र में बताया गया है। उनकी पत्नी का नाम क्या होगा, पति का नाम क्या, उनकी पिताजी का नाम क्या होगा, वो कहाँ पर आएंगे, इसका पिता माता कौन बनेंगे, बहुत बहुत कुछ प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे, सारे वेद पुराण उपनिषद में भूरी भूरी प्रमाण। इसलिए यहाँ पर श्री गर्गाचार्य भी द्वापर युग में कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आ करके ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसको प्रचार करके पहले से ही बोल दिए, इसलिए बोले इनका नाम कृष्ण नाम होगा। कृष्ण मतलब क्या, बोले काले, क्या कोलतार जैसे काले, बोले नहीं, भगवान के लिए उदाहरण दिया जैसे आकाश में जैसे मेघ छा जाती है, जैसे मेघ का जो रंग है भगवान की वैसे रंग है, काले रंग इसलिए है। आप बहुत सारे रंग मिलाओ देखना अलग 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 रंग होगा, लेकिन थोड़ी काला रंग मिला दो वो सारे रंग को देखना वो अपना लेता है, इसलिए कृष्ण काले हैं, हर चीज को भगवान अपना लेते हैं। कितना काले कमरिया को ऊपर में चढ़े ना दूज रंग, अगर कोई काले रंग में एक बार रंग गई ना फिर तो उसको ऊपर में कोई रंग नहीं चढ़ती है। और कृष्ण मतलब जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में आकर्षण करते हैं कि वो भगवान कृष्ण है, बोले इसका एक नाम कृष्ण नाम होगा। बोले इसकी इतने नाम इतने रूप की इतने गुण हैं, कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत। जब उन्होंने ये सब बात को बता रहे थे वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, अभी कृष्ण एकदम मैया जसोदा जो बूढ़ी हो गई थी तभी ये कृष्ण जन्म हुए। मैया सोच रही है ये ज्योतिष जी कोई काम की बात नहीं कर रहे, बिना काम की बात करते जा रहे, इतना नाम इतने रूप इसी युग में आए उसी युग में, अरे हमारी उसमें क्या मतलब है। देखो
घर में माताओं की क्या चिंता रहती है, बोले बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, अरे बेटे का शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है ना, माताओं को सारे घर का काम काज पढ़ना करती है। लेकिन घर में जब बहू आ जाए फिर तो बहू को सारे काम बहू को सौंप देती हैं, फिर माताओं को विश्राम मिलती है। ये नियम हमारी हमारी जो हिंदू संस्कृति का ये नियम, अभी तो धीरे 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 बदल रहे हैं। पहले क्या होता था, कोई स्त्रियां बाहर काम नहीं करती थी, वो रहती थी घर में, घर का काम काज माताएं कर लेती थी। और पुरुष लोग क्या करती थी, घर का सारे बाहर का काम श्री पुरुष लोग किया करते थे। इसलिए मैया सोच रही है, अरे ज्योतिष ये तो बताए बेटा कब बड़ा होगा, घर में कब बहू आएगी, कितने शादी होगी, अरे ये बात तो कम से कम बताए। इतने में गर्गाचार्य एक श्लोक को बोल दिया, देखो एक श्लोक दो अर्थ होता है। वो कह रहे हैं बहुनी संति नामानी, तेरे जो बेटा है ना इनके बहुत नाम होगा, कृष्णा गोविंद दामोदर ऋषिकेश माधव हैं, और इनकी बहुत रूप और गुण होगा। मैया तो बड़ी भोली भाली, वो अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी, बोलो ज्योतिष ये कह रहे हैं, वो कह रहे बहुनी संति, लेकिन मैया सोच रही है मेरे सियाद लाला की बहुत सारी बहू होगी। मैया तो खुश होगी, बोल कोई बात नहीं, जितने बहू होगी उतनी तो सास की सेवा करेगी। क्योंकि पहले पहले बहुत शादी करते थे, कृष्णा जब द्वारका में जाएंगे 16,150 रानियां, जब कृष्ण ब्रज में रास करेंगे कितने 100 करोड़ गोपियां, राधा जी तो थी, ललिता विशाखा चंपकलता तुंगोविद्या चित्रा सुचित्रा, और कोई काली कोई गोरी, काली कौन, कालिंदी काली है, गोरी राधा रानी है। बोले कोई बात नहीं, बहू होनी चाहिए घर में, काली हो नहीं तो गोरी हो, क्योंकि जितना होगी उतना सेवा करेगी। मैया तो खुश हो गई, मैया खुश हो गई, बोले वाह ज्योतिष काम की बात बताए। खूब उनकी मुंह मांगी, मैया ने दक्षिणा दी, ज्योतिष के चरण में गिरा करके बोले लाला को आशीर्वाद दे दो। गर्गाचार्य जी उन्होंने ऊपर ऊपर से उनका आशीर्वाद दिए और बड़े प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य वहां से चले गए। जब चले गए जितने बड़ी बुढ़िया थी पूछे मैया जसोदा को, बोले ज्योतिष ने लाला को नाम क्या धरवाया है, बोले बड़ा बेटा का नाम तो बलदेव और छोटा बेटे का नाम कृष्णा। बोले भैया नाम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो कृष्ण नाम ना, आप देखना जब तक ये जिह्वा 3 बार पलट नहीं जाए ये कृष्ण नाम ही नहीं निकलता है। और कृष्ण को देखो 3 जगह में कृष्ण टेढ़े हैं, कृष्ण का हर चीज देखना टेढ़ी है। इसलिए कि भजन है, बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तेरी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। Yeah.
कारण यही है, कोई सीधा चीज अगर घुस जाए वो निकल जाती है, लेकिन कोई टेढ़ी चीज घुस जाए ना वो निकलती नहीं सहज में। अगर हमारे तिल में अगर वो टेढ़े रूप में घुस जाए ना वो सहज में निकलते नहीं, इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। बोले देखो भैया, कृष्ण नाम जैसे टेढ़ो, उनका गांव भी टेढ़ो, उनकी बोली भी टेढ़ी, उनकी देखना भी टेढ़ी, उनकी चलना सब उनका टेढ़ा ही टेढ़ी है। इसलिए गोपियां बोले देखो, ये कृष्ण नाम जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए तब तक ये कृष्ण नाम नहीं निकलता है। एक काम करो, पत्रिका नाम तो कृष्ण बलराम रहे, लेकिन अपना घर का नाम रख लेते हैं कलुआ और बलुआ। ये घर में उनको कलुआ और बलुआ रूप में बुलाए करेंगे। बोले श्री कनुआ बलुआ की जय। जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, कृष्ण एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए ना एक चीज की प्रार्थना करते हैं, बोले राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। इसलिए श्री रसखान कहते हैं भैया ब्रज में जाकर के जरूर दो काम करियो। बोले दो काम क्या करो? बोले रमन रेती लेटो नहीं
कियो ना जमुना पार। कद जा करके तो रमन लेटी में जरूर लौट पोट खानी चाहिए और यमुना में आचमन और यमुना की में स्नान करने जरूर ये दो काम करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जो कोई आए यही मांगते हैं, हे राधे तुम्हारी चरण की हमें धूल मिल जाए। बोले भैया ये ब्रज धूल में क्या रखा हुआ। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में ब्रह्मांड घाट में खेलते खेलते ठाकुर जी ब्रज रज को सेवन कर ली। सखाओं ने कहा कन्हैया मिट्टी मत खाया करो पेट खराब हो जाएगी, लेकिन कृष्ण किसकी बात ही नहीं सुने, वो मिट्टी खाते ही जा रहे हैं। सखाओं ने मैया से चुगली कर दी, बोले मैया आज कन्हैया इतने मिट्टी खा रहा है किसका बात ही नहीं सुन रहा है। मैया बोले अभी तक मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मैया तो हाथ में एक छड़ी लेकर के आ गई, सीधा कृष्ण का कान को पकड़ी। बोले क्यों रे अपवित्र। बोले जिनका नाम लेने से दुनिया पवित्र हो जाते हैं, मैया के तो अपवित्र झूठे, आज तूने मिट्टी खाई। कृष्ण तो एकदम सफेद झूठ बोल दिए। बोले ना अहम भक्षित मानम भो सर्वे मिथ्याभिसंसिनम। बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं। बोले क्या दाऊ भी झूठ बोलता है। बोले हाँ भैया आज तो पता नहीं सवेर मैंने किसका मुंह देखा, ये सबके सब एक तरफ हो गए। बोले मैया ये दाऊ भैया उपने में देखने में बड़े गोरो हैं, लेकिन अंदर में बड़े कारो हैं। लेकिन मैया मैं तो कारो हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरो हूँ। देखो यहाँ पर एक रहस्य बात बताते हैं। बोले बलदेव प्रभु ऊपर से गोरे, बोले अंदर से काले, मतलब आप लोग ब्रज में जाओ कहीं भी बलदेव प्रभु को देखोगे ना कहीं गोरे नहीं देखोगे, सब काले काले देखोगे। बोले क्यों। बोले वो कृष्ण चिंता करते 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 बलदेव प्रभु काले हुए, इसलिए वो अंदर चिंता करते इसलिए कारे हैं। बोले ऊपर में तो मैं कारो हूँ लेकिन मतलब क्या। बोले इनकी अंदर कौन है। बोले आत्मा तो राधिका है, इनके आत्मा श्रीमती राधा रानी, इनके हृदय में राधा रानी का निवास है। कहते मैं राधा रानी को याद करता हूँ हर समय, इसलिए मैं अंदर में तो गोरो हूँ मैया। बोले ये सबके सब झूठे। बोले हाँ मैया सबके सब झूठे हैं सबके सब। बोले तू एकमात्र सत्यवादी हरिश्चंदा तू ही। बोले हाँ मैया मैं तो आकाश में सूरज का हाथ उठाकर कह सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, जमुना में ठाड़ो होकर के कह सकता हूँ मैंने मिट्टी खाई नहीं खाई, श्री गैया के ऊपर हाथ रखकर कसम खा करके बोल रहा हूँ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले दाऊ भैया के सर के ऊपर हाथ रख करके बोल सकता हूँ। पता नहीं कृष्ण क्या क्या कसम खाना शुरू कर दिए हैं, क्या क्या कसम खाना शुरू कर दिए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं मैया को बोल दूं मैया अगर मैंने मिट्टी खाई मुंह से तो खाई तो मेरे मुंह को देख ले, हो सकता है मैया मान जाएगी। लेकिन मैया मानने वाले कहां, जानता है कठिया बड़ा नटखट है। इतने में बोले मैया मेरे मुंह देख ले। बोले मुंह खोल, एक धमकी लगाई तो इतने में कृष्ण की मुंह झट खुल गई। जब खुल गई अभी मुंह में मिट्टी लगा हुआ था, मैया एक कान पकड़ करके एक हाथ में लठिया है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया जो कृष्ण लीला को सबके सब पुष्ट करने वाली अभी वो देख रही है। अभी तो कृष्ण को मुंह में मिट्टी लगा हुआ ऑलरेडी, मैया के हाथ में छड़ी एक ना डंडा नीचे नहीं सब कृष्ण को पीठ के ऊपर पड़ने वाले। जोग माया सोच रही है अगर मैं रहते रहते मेरे प्रभु अगर पीट गए फिर तो मेरा रहना बेकार है। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया लीला शक्ति कृष्ण की छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने चंद्र कितने सूरज ग्रह नक्षत्र, मैया खुद खुद अंदर में देख रही थी। मैया बोली मैं क्या अलाई बुलाई देख रही हूँ, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं। मैया की अंदर में जब ये भावना आ गई ना कृष्ण डर गए। बोले क्यों डर गए। बोले अगर मैया को ये प्रतीति हो गई मैं भगवान हूँ फिर मैया क्या करेगी, जैसे सालग्राम के लिए छोटी सी घर बनाई, थोड़ी सी बातासा नहीं तो मीठा भोग लगा देती है और घंटी हिला करके तो मेरी वो माता छा तो पिता तुम्हें वो बोल कर भोग लगा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगर मैया को विश्वास हो गया मैं भी भगवान हूँ मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनाएंगे
और मेरे को अंदर में बंद कर करके ले गए। और मैं जो सखाओं को साथ में इतने लीला करता हूँ, लीला ही नहीं कर पाऊंगा। इतने में कृष्ण तो डर गए। जब कृष्ण डर गए, फिर जोग माया ने देखा, भैया उल्टा हो गया, मैंने ब्रह्मांड रूप तो दिखाया लेकिन अभी उल्टा हो गया है। इतने में सारे ब्रह्मांड रूप अंदर ध्यान हो गया। मैया देखती है वही छोटा सा मुंह, बस कृष्ण वही नन्हा सा बच्चा है। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, आप लोग ध्यान देकर सुनो। आप लोग ये बताओ, कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो। अरे बोलो जोर से, मिट्टी कृष्ण खाए कि नहीं? खाए थे ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण झूठ कैसे बोल दिए? बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर दुनिया क्या बोलेगा? अगर भगवान होकर के अगर ये बोलते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई खा करके, दुनिया बोलेगा क्या ठाकुर जी जब झूठ बोलते हैं, क्या मैं हम लोग झूठ बोलने में दोष है? जब ठाकुर जी झूठ बोले कोई दोष नहीं, दुनिया तो यही सोचेंगे ना। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी कहते नहीं, ठाकुर कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भागवत का जो प्रथम श्लोक है ना, बोले सत्यं परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। जब कृष्ण मातृगर्भ में आए, 33 करोड़ देवता भी भगवान को स्तुति कर रहे थे, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। भगवान कौन है? बोले जिनका व्रति सत्य है, जिनका धाम सत्य, जिनका नाम सत्य, जिनका भक्त सत्य। भगवान तो त्रिसत्य है। जब भगवान जब त्रिसत्य सनातन है, अगर वो झूठ बोलेंगे तो सारा दुनिया ही झूठा हो जाएगा। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान झूठ कभी बोले नहीं, बोले अभी तो बोल दिए। कहते अभी तो बोल दिए, तब उन्होंने दो उदाहरण दिए, ठाकुर कैसे झूठ नहीं बोले। बोले भैया खाना किसको कहते हैं? हमसे जब कोई चीज अलग होता है, जैसे उठाकर खाते ना, उसको खाना कहते हैं। इसलिए भगवान विश्व ब्रह्मांड दिखाए। बोले मैया विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में, मैं खाया कब? मेरे से तो कोई अलग है ही नहीं, दुनिया तो मेरे अंदर में, फिर मैंने खाया कब? इसलिए ये एक कारण बताए भगवान झूठ नहीं बोले कि सारा दुनिया भगवान में। दूसरा कारण बताए, ये संस्कृत शब्द है, जब ये शब्द को अलग कर देते है ना, वो होता है ना अहम भक्षित वान अम्ब। बोले अम्ब मतलब हे माटा, ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, जब इसको अलग कर दोगे। लेकिन ये शब्द को जब एक कर दोगे फिर क्या होगा? बोले नाहम। बोले नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया ये मिट्टी की बात क्या कह रहे हो, मैं तो ये विश्व ब्रह्मांड को खा करके रखा है, तेरे को विश्वास नहीं हो रही है, देखना चाहती हो, देख ले। उन्होंने मुंह खोल दिए तो विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया उन्होंने, हैं? इसलिए भगवान कभी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि भगवान सनातन है, भगवान सनातन है। अभी प्रश्न होता है, फिर भगवान ने मिट्टी खाई तो खाए क्यों, कारण किया? इसका दो तीन कारण बताए। पहला कारण बताए, ये जो विश्व ब्रह्मांड, ये ब्रज रज की इतने महिमा है। देखो हम जो तिलक लगा रहे हैं ना, जानते हो ये तिलक क्या चीज है? ये ब्रज रज है। हाँ, इनकी कथा सुन लो। हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं, ये ब्रज रज कहाँ से आई? एक दिन श्री नारद जी ठाकुर जी से प्रश्न किए, बोले ठाकुर जी दुनिया कहता है सब तेरे भक्त है। बोले हाँ। बोले तेरे असली भक्त कौन है और सबसे बड़े भक्त तेरे कौन है, बताओ तुम। बोले समय आया तो मैं बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बूझ करके बुखार की लीला की, अभी वैद्य को बुलाए वसुदेव महाराज, लेकिन बुखार सही नहीं हो। नारद जी आए, बोले प्रभु तेरे नाम लेने पर जीव की भव रोग से मुक्त हो जाते हैं, सारे दुख कष्ट से मंगल भवन अमंगल हरि तेरे नाम, और तेरे को बुखार है तो बड़ा विचित्र बात है, इसलिए आप ही बताओ आपकी बुखार कैसे सही होगा। बोले नारद जी बोले मेरे बुखार तो सही हो सकता है। बोले कैसे बताओ? बोले अगर कोई मेरे शुद्ध भक्त हो, अपना चरण धूलि मेरे को दे दे, वो चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाए ना, मेरी बुखार सही हो जाएगा। बोले नारद जी सारे दुनिया कहते तू मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए थोड़ा चरण धूलि दे दे, मेरे स्नान करा दे। बोले प्रभु राम 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 राम, प्रभु आपको चरण धूलि देकर क्या नरक जाना मैं चाहूंगा? प्रभु मैं चरण धूलि नहीं दे सकता हूँ,
बोले द्वारका में बड़े बड़े भक्त है, मेरे 16,108 पटरानिया, उद्धव जी, सात्विक, इनसे चरण धूलि लेकर के आ। नारद जी जिनियों को पास में गई, सबके सब नारद जी को गाली निकाले, कोई भी चरण धूलि देना नहीं चाह। नारद जी वापस आ गया, बोले प्रभु जहां जहां मैंने गया सबके सब मेरे को गाली निकाले, बोले कोई भी चरण धूलि नहीं दिया। बोले नहीं, बोले सारा दुनिया तुमने घूम गया। बोले हाँ। बोले वृंदावन गया था? बोले प्रभु केवल मैं वृंदावन नहीं गया, मैंने देखा हुआ ग्वाल बाल गैया चराने वाले, हर गोपियां तो कंडा बीनने वाली, दधि मंथन करने वाली, गांव में रहने वाली, उनको क्या भक्ति भक्ति पता है। बोले नारद जी मेरे जो असली भक्त है ना, केवल वृंदावन में, एक बार वृंदावन तू जाकर देख। नारद जी वृंदावन गए और नारद जी को देख करके सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले हमारे लाला कान्हा कैसे? बोले कान्हा को तो बड़ा तेज बुखार सर दर्द, बोले दवा नहीं दिए। बोले दवा तो लेने के लिए आया हूं। बोले कौन सा दवा? बोले कृष्ण बोले कोई भक्त मेरे को चरण धूलि दे दे, वो चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाएगा तो ये बुखार सही होगी। बोले कोई बोरी भोरी लाया कि नहीं? बोले बोरी। बोले किस लिए? बोले चरण धूलि कैसे ले जाओगे? बोले दोगे? बोले और क्या, जितने ब्रजवासी गोपियां थी ना, चरण रगड़ रगड़ करके उसको उन्होंने धूलि को जमा किया और एक पोटली बांध करके नारद जी के सर पर रख दिए। बोले जाओ कृष्ण को स्नान करा दो। नारद तो अक्के बक्के चक्के रह गए। बोले तुम लोगों को पता नहीं कृष्ण भगवान? बोले हाँ। बोले अपना चरण धूलि देकर क्या नरक की रास्ता साफ कर रहे हो? बोले नारद जी कृष्ण सुख के लिए एक जन्म नहीं, अगर करोड़ों कल्प के लिए नरक जाना पड़े हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन हम कृष्ण का दुख नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं हम नरक जाएंगे, इसको लेकर कृष्ण को स्नान करा देना। नारद जी ने देखा भैया असली भक्त तो यहीं पर रहे, हम लोग तो कोई नरक जाने के डर से कोई चरण धूलि नहीं दिया, ये कहते करोड़ों काल के लिए हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण दुख नहीं देख सकते हैं, भैया ये तो असली भक्त है। फिर नारद जी ये धूल लेकर के द्वारका में गए, भगवान को वहां स्नान कराया गया। अभी भी वहां पर एक गोपी तालाब है। अब लोग कहीं द्वारका गए हो? कौन कौन गए हाथ उठाओ। हाँ, दो चार माताएं हाथ उठा रही है। अब लोग देख करके आए होंगे जहां पर ये गोपी तालाब है, ये जो मिट्टी है ना, सारा दुनिया में कहीं इतने सुंदर मिट्टी, पीले रंग की मिट्टी नहीं मिलती है, केवल वहीं पर ये मिलती है। ये गोपियों की ब्रज रज है, जिस रज को पाने के लिए भागवत में देखो उद्धव जब ब्रज में आए उन्होंने क्या प्रार्थना की। बोले आशा महो चरण रेणु जुसा महंग श्याम, कहते वृंदावन में मैं कोई घास भूसा होकर जन्म हो जाए। बोले क्यों? बोले गोपियां जब चल करके जाएगी कृष्ण से मिलने के लिए, उनकी चरण के धूल मिलकर मैं पवित्र हो जाऊंगा। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति कहते तद भूरी भाग्यम यह जन्म अटभ्याम, ये ब्रह्मा कह रहे हैं ब्रज में तुम्हें पत्थर जन्म होकर के जन्म हो जाए, छोटे जातियों को घर को दरवाजा को सामने, अगर वो चरण रगड़ेंगे उनकी चरण मिलेगा धन्य हो जाएगा। शंकर जैसे व्यक्ति ब्रज में गोपी बन करके ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए शंकर जी आते हैं। पिछले जितने 33 करोड़ देवता सबके सब ब्रज रज चाहते हैं, तो इनकी बात छोड़ दो, आप बांके बिहारी को देखो, कृष्ण की कहीं तस्वीर देखो, कहीं भी तस्वीर देखोगे देखना वो जो तिलक है ना यही चीज की। भगवान राम को देखना, कहीं राम की विग्रह देखना, यही गोपी चरण धूलि भगवान राम लगाते। आप कभी नारायण को देखना, भगवान का नारायण है तो आधा मुंह देखोगे इतना तिलक लगा हुआ ठाकुर जी की। कहीं हनुमान जी को देख लो, कहीं गणेश जी को देखो, बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते हैं। आप लोग तो हिंदू देखना, जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए जाते हैं ना, तिलक लगा कर जाओ, तिलक लगा कर जाओ तो विजय प्राप्त हो। मतलब आप तिलक लगा कर कहीं भी जाओगे ना, जो ये तिलक को दर्शन कर लेगा कहते उसको ठाकुर दर्शन करने का फल मिल जाती है। और तिलक लगा कर किसी काम में भी आप जाओ, देखना घर में पुजारी जब वो पूजा कराने के लिए आता है ना, सबसे पहले तिलक लगाएगा, नहीं तो पूजा ही नहीं करवाएगा। ठीक है ना, क्या करना है? तिलक सबके सब लगाना है। गोपियों की चरण धूलि है, इनकी चरण धूलि लगने पर अपनी आप हृदय में भगवत भक्ति अपने आप उदय होता है, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। देखो ये पास में इस्कॉन मंदिर है, कभी जाकर देखना, अंग्रेजी लोग होकर के देखना, वो सबके सब इस चीज के तिलक लगाते हैं।
लेकिन कभी कभी हम हिंदू हो गए ना मॉडर्न हो गए सब, बोले तिलक लगाएंगे इतने गंदा काम कैसे कर लेंगे। लेकिन अपना मैया को देखना, तुम्हारी मैया को देखना, घर में क्या करते थे, पहले चंदन घिस करके पहले ठाकुर का तिलक लगाते थे, वो तिलक पहले लगाते कि पहले सबके सब, सबके सब यही तिलक लगाया करते थे। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। आज ठाकुर जी ब्रज रज की महिमा को दिखाने के लिए ठाकुर जी स्वयं आज ये ब्रज रज को स्वीकार करते हैं। बोले माँ ये ब्रज रज मैंने अकेला थोड़ी पाया, देख ले विश्व ब्रह्मांड तेरी ब्रज रज के लिए तरसते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। एक दिन कृष्ण देखा जब मैया जसोदा कृष्ण को गोद में दूध पिलाती हैं, मक्खन खिलाती हैं, ये ब्रज गोपियों के अंदर में भी भावना है कृष्ण की हमारे घर में आएंगे, कभी हम भी कृष्ण को गोद में बैठा करके मक्खन दूध इनको भी कम पिला सकेंगे। अभी सारे ब्रज गोपियों का हृदय में भी ये भावना है। अभी इनकी हृदय की भावना को समझते हुए एक दिन कृष्ण स्वयं बोले घर घर में मेरे को जा करके मक्खन चोरी करना पड़ेगा। कृष्ण सोचा दूसरे घर में मक्खन चोरी करने से पहले मैं अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ, अगर अपना घर में सक्सेसफुल हो जाऊँ ना फिर तो दूसरे घर में भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, अगर अपना घर में पकड़ा गया तो फिर दूसरे घर में भी पकड़ा जाऊंगा, अपना घर में पहले प्रैक्टिस अपना घर में करता हूँ। एक दिन कृष्ण अपना मैया को नजर को बचाते हुए ठाकुर जी अपना घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। जब कृष्ण मक्खन चोरी कर खा रहे थे, उखल के ऊपर में खड़े होकर के नंद बाबा का जो घर है वो हीरे जवाहरात से बना हुआ पिलर, साधारण मणि से बनी हुई पिलर है। कृष्ण जब मक्खन खा रहे थे इनकी परछाई पिलर के ऊपर पड़ा, अपना परछाई को कृष्ण देख करके सोचा जैसे मैं मक्खन खा रहा हूँ चोरी करके, शायद मेरे घर में मेरे जैसे कोई बालक ये भी मक्खन चोरी कर रहा है। कृष्ण का तो उम्र 2.5 साल का होगा, इसलिए कृष्ण को पता नहीं ये परछाई भी कोई चीज होता है, सोचा मेरे जैसे और कोई बालक मक्खन चोरी कर खा रहा है। कृष्ण सोचा ये मैया को बोल नहीं दे, बोले भैया तू भी मक्खन खा मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया से बोलना नहीं, कितना चोर चोर मौसरे भाई तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। वो परछाई भी वही बोला, बोले तू खा मैं भी खाता हूँ, मैया से नहीं बोलना। कृष्ण बोले तू मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे हो, वो परछाई भी वही बोला। अभी कृष्ण तो परछाई से ही लड़ाई करना शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है नहीं, फिर ये किससे झगड़ा कर रहा है। मैया आकर के देखती है वो अपना परछाई को साथ में ही लड़ाई कर रहा था। इतने में मैया बोली लाला तू किससे लड़ रहे हो। बोले भैया मैया भी देख लिया कृष्ण तो छलांग लगाए और वो पिलर को पकड़ लिया। बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर घुस आए हुए। बोले कहां पर। बोले इसकी अंदर में। बोले इसकी अंदर में चोर है, ये बताओ तेरे हाथ में मक्खन कहां से आया। बोले ये भी सच है। बोले मैया मेरे हाथों में जो मणि की कंगन पहना दी थी गर्म हो गया था, मैं मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले तू हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में से मक्खन कहां से। बोले भैया ये भी सही है। बोले मैया मुंह में एक चिट्ठी चल रहा था, वो चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह से मक्खन लग गया। मैया बोली लाला तू मेरे अकेले लाला, जो कुछ मैं बनाती हूँ तेरे लिए ही बनाती हूँ, पर ये सब चोरी करने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार मक्खन चोरी करते हुए पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर ही पकड़ा जाऊंगा। ऐसे ही कृष्ण हर घर घर में कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे, लेकिन कोई भी कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं। एक ब्रज में एक नई गोपी आई, वो लिखी बड़ी थी, बड़ा चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण तो घर घर में मक्खन चोरी करता है लेकिन किसकी पकड़ में नहीं आता। एक भजन गा ले। हरी मैया हरी मैया ओ मैया हरी मैया कन्हैया की क्या करो नट खट की मैया बोल रही मेरी।
मटर किया छोड़ दी मेरी बदरिया Thank you.
देखे बिन काना जब मने नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण की चोर भगवान की जय 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 श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन मैया जसोदा बोली, लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले क्यों मैया, मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ, पूरा ब्रज ब्रज में हला हो रहा है, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को क्या कभी बेटी देगी? लगता है तू कुंवर का कुंवर रह जाओगे, तेरी शादी वादी कुछ नहीं होगी। कृष्णा तो डर गई, बोले भैया दुनिया शादी के लिए पागल हो रहे हैं और मैया कहती है तेरी शादी नहीं होगी। कृष्णा ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं, मैया को ये विश्वास हो जाए मैंने मक्खन नहीं चोरी करता, फिर तो मेरी शादी हो जाएगी। देखो कृष्ण ने कितना सुंदर बात बताई। बोले मैया मोरी मैंने ही माखन का रोशन मैया मोरी, मैंने ही माखन का रोशन मैया मोरी, मैंने माखन का रोशन मैया मोरी, मैंने ही माखन का। ये भजन आप सब सब जानते हो, ये भजन श्री सूरदास का। देखो कृष्ण कितने गजब की उदाहरण दी। बोले मैया ये बताओ, भोर भयो गई अन्न को पाचे मधुबन मोय पठा। बोले हाँ। बोले चार प्रहर बंसी बट भट को सांझ पड़े घर आए। बोले हाँ। बोले दिन भर गया चराया, सांझ को घर में आया, और रात भर तेरे गोद में सोया था कि नहीं? बोले हाँ गोद में सोया था। बोले दिन भर गया चराया, रात को तेरे गोद में सोया, चोरी कब मिली? बोले मैं बालक बहन को छोटो काहीं विधि छिकी छिका पायो। ये बताओ मैं इतने छोटे से बालक हूँ और बड़े छिके के ऊपर में दूध दही मक्खन रखते हैं, बताओ मेरे हाथ कैसे पहुंचा? बोले ये सखा लोग सब तेरे नाम पर जो बताते हैं। बोले मैया जानते हो ये बालक इतने दुष्ट, इतने दुष्ट, खुद के खुद तो मक्खन चोरी करके खाते हैं और ये मेरे को जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना देते हैं। लगता है मैया मेरे तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म दे करके कहीं फेंक करके चला गया था और तूने वहां से उठा करके लाई और मेरे को पालन कर रही हो, क्योंकि दुनिया कहते तू मक्खन चोर, तू भी कहती हो मतलब मैं तेरे बेटा है ही नहीं। इतना बोलते ही मैया का हृदय तो एकदम पानी पानी हो गया। इतने में मैया बोली नहीं लाला,
तेने मक्खन नहीं चोरी की, तेने नहीं की। इतने में कृष्ण झट बदला देते हैं, भले मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने माखन खायो। देखो भगवान ये मक्खन चोरी क्यों करते थे, भले ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है। कहते संतों ने इसकी बड़ी बड़ी रहस्य की बात बताई। आप लोग घर में मक्खन बनाते हो, कौन कौन घर में मक्खन बनाया है कभी कभी? आप लोगों ने सभी ने मक्खन बनाया ना। देखो ये मक्खन कैसे बनता है, ये मक्खन का मतलब क्या होता है, भले मख और ना। कहते मख मतलब होता है क्रोध और ना मतलब होता है नहीं। भले भगवान किस चीज को चोरी करते हैं, बोले जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, ठाकुर जी उसी चीज को चोरी करते हैं। बोले भैया ये काम क्रोध लोभ कहाँ पर नहीं है, बोले संतों की हृदय में ये चीज नहीं है, ये इनको इधर दे दो महाराज जी, प्रभु जी वहां पर बैठ जाओ, वहां ऊपर बैठ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे हरे कृष्ण। इसलिए कहते भैया ये काम क्रोध लोभ कहां पर, ये काम क्रोध लोभ नहीं है, कहते ये संतों के हृदय में नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले संत हृदय ना बनी संतों का हृदय ही ये मक्खन जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन इसको तो उदाहरण दिया लेकिन ये पूरी नहीं। बोले क्यों, बोले ये मक्खन कब पिघलती है, बोले जब गर्मी पाए, गर्मी मिलने पर ये पिघलती है। लेकिन संतों का हृदय तो पर दुख द्रवी, ये तो दूसरों को दुख देखते ही इनके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों के हृदय। बोले भैया संतों में सबसे बड़े संत कौन है, कहते सबसे बड़े संत कौन है, बोले ये ब्रजवासी है। कहते ये ब्रजवासी में सर्वश्रेष्ठ संत कौन है, बोले ये ब्रज की गोपियां हैं। उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की एक धूल के लिए वंदना करते हैं। इसलिए श्री कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम लोग कौन है, बोले गोपी भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। इसलिए इनका नाम गोपी, गोपी मतलब क्या है, बोले गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करते हैं ये गोपियां हैं। इसलिए कृष्ण ये मक्खन चोरी करने नहीं जाते थे, बोले किसको चोरी करने जाते थे, वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, वो क्या चोरी करेंगे, वो क्या चोरी करेंगे। कहते भक्तों के हृदय को चोरी करने के लिए जाते थे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते प्रेम का दो लक्षण है, बोले दो लक्षण क्या है, बोले सांद्र नाम दा विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षण जैसा। जैसे दूध को गर्म करो ना, दूध को गर्म करते 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 जैसे राबड़ी बन जाती है, उसी तरह जब हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम प्रकट होना क्या हो जाता है, उस समय भक्ति ये घनीभूत अवस्था को धारण करते हुए ये राबड़ी, राबड़ी मतलब होता है जैसे राबड़ी बड़ा टेस्टी होता है, उसी तरह जो भक्ति में बड़ा आनंद मिलता है, जिसको कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में एक नई नई आनंद की अनुभूति होती है।
प्रेम की दूसरा लक्षण किया बोले श्री कृष्ण आकर्षण जैसा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, जैसे कमल फूल खिलने पर ये फूल भौंरा के पास में नहीं जाता, ये भौंरा फूल के पास में आता है। उसी तरह जब किसी भक्तों के हृदय में कृष्ण भक्ति रस रूपी ये कमल के फूल खिल जाए, उसी समय कहते भगवान को पास में भक्त नहीं जाता है, भगवान स्वयं भक्तों को पास में आते हैं। ये गोपियों के ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है कहते श्री कृष्ण आकर्षण चसा, वो कृष्ण रूपी भौंरा को ये आकर्षण करते हैं और भौंरा आकर के भक्त रूपी प्रेम रूपी मधुओं को आस्वादन करते हैं। इसलिए आप लोगों ने घर में से मक्खन बनाए ना, देखो ये मक्खन कैसे बनती है और ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है। जैसे पहले दूध लाओ, दूध को लाकर गर्म करो, जब दूध को गर्म करते हो, गर्म हो जाने पर फिर उसमें जमन डालते हो। कभी दूध को गर्म करना मतलब क्या है बोले जब किसी साधक के हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, भगवान कैसे मिले, भगवान हमें कैसे मिले, जब हृदय में तड़फड़ान हो फिर क्या होता है, जैसे ध्रुव जी के हृदय में भगवत प्राप्ति की जब उत्कंठा हुई पर क्या हुआ, ठाकुर जी ने नारद जी को भेजे बोले जाओ जा करके उसके परीक्षा करके मंत्र प्रदान करो। जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगेगी, उत्कंठा जगने पर फिर ठाकुर जी की कृपा से हमें ये सतगुरु की प्राप्ति होती है। ये सतगुरु उसमें जब जमन डालते हैं, ये जमन क्या है बोले सतगुरु हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं यही जमन है। अभी सतगुरु जी हमें मंत्र प्रदान की, मैंने पहले बताया था ना भैया हमें अपने आप ये माला क्यों नहीं जप कर लेते हैं, कहते अपने आप क्यों भक्ति करते हैं, क्यों नहीं कर देते हैं, फिर ये गुरु जी को पास में जाने का क्या जरूरत है, ये गुरु जी से हरि नाम लेने का क्या जरूरत है। मैंने पहले बताया था श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, ऐसे कुछ पेड़ हैं जो पेड़ का बीज को अगर आप डायरेक्ट लेकर के बोल दोगे ना वो पेड़ नहीं होगा। बता तो कौन सा पेड़, मैंने पहले बताया था कौन सा पेड़, जोर से बोला, पीपल और बरगद का पेड़। आप देखे ना ये दोनों पेड़ को नीचे कभी भी बरगद का पेड़ पीपल पेड़ नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, किसी छत के ऊपर में दिखेगा, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर में दिखेगा। बोले ऐसे क्यों, बोले वो वृक्ष का एक नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खा ले, चिड़िया के हृदय में पेट में वो बीज जाए, उसकी पेट में ऐसे कुछ रस है, वो रस से जब वो बीज उसमें लगता है, फिर जब वो बीट करता है ना, फिर से वहां से वृक्ष जन्म होती है। हैं? देखना एक पेड़ बनने के लिए मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन देखना पत्थर के ऊपर में, ये पत्थर के ऊपर में पेड़ हो जाता है बरगद पीपल पेड़, और घर को देखना फाड़ देता है, घर को फाड़ देता है। इसका मतलब क्या है, कहते अगर डायरेक्ट अगर हम भगवान के नाम जब करेंगे, हाँ भगवान की कृपा होगी, लेकिन जब तक भगवान की जब पूर्ण कृपा होगी, महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण कृपा से इसको भक्ति लता रूपी बीज मिलता है। तब यहाँ पर कह रहे हैं भैया गुरु जी तो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, पर कृष्ण क्या करते हैं, पर कृष्ण क्या करते हैं, बोले कृष्ण ये करते हैं हमें उपयुक्त स्थान में ले जाते हैं, सही साधुओं का दर्शन ये कृष्ण कृपा से होती है। बोले क्योंकि हम साधु किसको समझते हैं, बड़े लाल कपड़े पहने, बड़े बड़े जटाजूट, गले में मोटे मोटे माला पहने रखे, बड़े बड़े तिलक लगाए, जिनकी बहुत सारी चेले चापाटी हो, बोले भैया ये तो बहुत बड़े साधु है, हम इसको ही साधु कहते हैं ना। लेकिन हम देखना हमारे भारत में बहुत सारे साधु भी जेल में बैठे, समझे जेल में बैठे हैं। इसलिए भैया कहते हैं जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में सदगुरु हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए हनुमान जैसे व्यक्ति भी भ्रमित हो गए, बोले जिस समय लक्ष्मण का शक्ति शैल हुई, सुसेन वैद्य ने बताया अगर रातारात अगर तुमने
जड़ी बूटी को अगर गंधमार्दन पर्वत से ला सकते हो, ये जिंदा होने का कोई चांस है? जब हनुमान जी जा रहे थे बीच में, ये काल ने भी साधु बनकर बैठ गया, ये हनुमान को भी भ्रमित कर दिया। बीच में रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, इतने में हनुमान भी बीच में उतर गए। बोले भैया मेरे कोई गुरु भाई है, लेकिन लास्ट में वो क्या निकला? काल नेमी। ये काल नेमी साधु बनकर बैठ गए। कहते अगर भगवान हमें कृपा नहीं करते ना, जीवन में सदगुरु को नहीं प्राप्त कर सकते हो। अगर जैसे ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान को उन्होंने भगवान को भी मचला दिया, ठाकुर जी जब नारद जी को भेजे, फिर नारद जब मंत्र प्रदान किए, उसी मंत्र से उसे भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगा ना, हम सदगुरु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जब हम सदगुरु से ऐसे शुद्ध साधु से जब हम मंत्र प्राप्त करते हैं, जैसे वाल्मीकि पहले इधर दशरथ ना करता, जब नारद से मिले, देखो शुद्ध संतों की कितने कृपा है। जब नारद से मिले, नारद जी बोले भैया बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोलते तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ। बोले भैया मरा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ ये तो बोल सकता हूँ। लेकिन उन्होंने नारद से मरा मरा नाम लिया, लेकिन उल्टा नाम जब तक जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मनमाई। इसलिए जब शुद्ध साधु की कृपा हो जाए ना, दस रत्ना कर जैसे वाल्मीकि बन जाते हैं, वाल्मीकि बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते अभी तो दूध गर्म हो गया, उसमें जमन डाले। जमन मतलब सदगुरु हमें जो भगवत नाम प्रदान करते हैं, यही जमन। अभी दही जम गई, दही जम गई तो फिर क्या करो? उसको मंथन करो। बोले भैया मंथन मंथन क्या है? मंथन क्या है? गुरु जी से जो हरिनाम ले लिया, गुरुदेव तो हरिनाम दे दिया। अगर माला को अगर तुम लेकर के ऊपर लटका दिया, नहीं तो ठाकुर घर में रख दिया, क्या फिर भगवान मिल जाएंगे? जैसे यहां से आप बम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, एक टिकट बनाए, अगर टिकट को अगर पकेट में रखो, क्या पहुंच जाओगे आप? रेलवे स्टेशन नहीं तो एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, बोर्डिंग कार्ड लेना पड़ेगा, जाकर के चेकिंग होगा, फिर अपना सीट नंबर बैठोगे, फिर तो प्लेन नहीं तो ट्रेन लेकर पहुंचाएगा। गुरु जी से तो माला ले लिया हम गुरु जी से, लेकिन माला क्या क्या लटका करके रख दी, क्या फिर भगवान मिल जाएंगे? देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जब गुरुदेव हमें माला दिए है, माला नहीं, ये स्वयं कृष्ण को दिए, हरि से बड़ा हरि का नाम भगवान कृष्ण को दिए। अगर ये माला एक दिन हमने नहीं जप की तो इसका मतलब है ये माला दिन भर भूखे रह गए, आज कपड़ा नहीं बदलाया, स्नान नहीं किया, ठाकुर जी भूखे दिन भर रह गए। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया खुद एक दिन भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कोई भूखे मत रखा करो, क्योंकि अंतिम समय में यही तुम्हारी साथ में जाने वाले और कुछ भी जाने वाले नहीं। इसलिए माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। माला को महाप्रभु कहते हैं या जप किया सबे करिया निर्बंध, माला को नियमित प्रभु माला को जप करो। माला जप करना मतलब ठाकुर जी को सेवा करना। अब ये मंथन मतलब होता है साधन करना। जब मंथन करोगे साधन करोगे फिर क्या होगा? एक तरफ में मक्खन एक तरफ में छाछ। बोले ये मक्खन क्या है? बोले प्रेम। ये मक्खन प्रेम है। जब साधन करेंगे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होगा, जब हृदय में प्रेम प्रकट होगा, कृष्ण रूपी जो मधुमक्खी धैर्य तो आकर के वो प्रेम का रसवासदन करना शुरू कर देंगे। हाँ, इसलिए ये मक्खन चोरी का मतलब है मख मतलब क्रोध, ना मतलब नहीं, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं, ठाकुर जी केवल उनकी हृदय रूपी प्रेम को आस्वादन करने के लिए आते थे। ठाकुर मक्खन क्या चोरी करेंगे विश्व ब्रह्मांड का? वो तो मालिक वो क्या चोरी करेंगे? इसलिए ये मक्खन चोरी का यही तात्पर्य है। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्ण। आज हमारे बीच में कुछ भक्त लोग आए हैं, इन लोग आप लोगों को थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा सुनाएंगे। देखो किसी चीज में जब कोई भक्त लोग आ जाते हैं ना, संत लोग आ जाते हैं,
समझना आपका वो चीज सार्थकता हो गया है, हैं? इसलिए विभीषण कहते हैं ना, आज मोए भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मोए अनुग्रह किनी तो मोए दरस बैठे दिनी। इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में भक्तों का दर्शन नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ हमारे इस्कॉन है पास में, यहाँ से हमारे कुछ प्रभु लोग आए हैं, पहले जब गड़ी में कथा किया था प्रभु जी भी कृपा करके आए थे। हाँ प्रभु जी भी थोड़ी सी, हाँ प्रभु जी थोड़ी सी ठाकुर जी कथा सुनाओ, इनको थोड़ी सी ठाकुर की कथा, आ जा शर्मा नहीं आ जा, फिर हमारे ये भक्त लोग भी तो बोले आ जा, प्रभु का नाम क्या है बोलिए। हाँ हमारे प्रभु श्री राधा दामोदर प्रभु जी है, नाम तो बड़े प्यारा नाम है, आ जा प्रभु जी, थोड़ी जो थोड़ी माइक दे दो, थोड़ी सी प्रभु जी को माइक है वहां पर, आ जाओ प्रभु जी, हाँ इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए प्रभु जी। ॐ अज्ञानतिमिरन्यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुबुधान्तिकम्। बरह पीड़म नट बर भु कर्णय कर्णिकारम विप्रद बाष कनक कबिषम भयजंति चमालम रंध्रान वेणुरतिरशदयान पूरयं गोपविंदै वृंदारण्यं शबदरमणं प्राविशति गीत गीति गोपाल पाल भुवन गोपाल संसार माया मतिर्मुहियाय यशो विशाल शिशुपाल कालम बाल मुकुंदम मनुष्यांशराय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे। महाराज जी का बहुत कृपा है कि थोड़ा समय दिए हैं और आप सभी का भी बहुत ही आभारी हूँ। ये कथा के बीच में हम किसी को बोल रहे हैं, हमें नहीं देते हमारी कथा में, न कि ये विक्षेप हो जाता है। कई बार गांव लोग नेताजियों को लेकर के खड़ा कर देते हैं तो भी हम नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की कथा ही सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति की बात बीच में ठीक नहीं लगता है, फिर भी एक वैष्णव की आश्चर्य की कथा व्यास की मांग को रक्षा करने के लिए केवल थोड़ी समय आपके लिए पूर्ण प्रयास करता हूँ। यहाँ तो चुराया है, सब कुछ चुराया है भगवान, जैसे सब कुछ चुराए है और सब कुछ चुरा करके माखन की बात चल रहे थे, न बनी तो समाना संत हृदय, तो सबकी हृदय को चुरा लिया है। जिस दिन भगवान को अपनी गोपियों लोग अपने द्वार पर देखते नहीं थे, उस दिन की मदन में गोपियों के हृदय में भाव आते हैं, आज क्या हो गया जसोदा जी को, कभी यहाँ को क्यों नहीं छोड़ा, शिकायत लेके आते थे। कथा आप सब जानते हैं, शिकायत लेके आते कि देख रहे जसोदा गाना किधर है,
कहना को देखने के लिए आए थे। शिकायत बहाना था, क्या बहाना? कि तुम्हारे काना हमारे घर में आके मक्खन चुरावे, दूध पी जाए, और जब हमको पतन के बछड़े छोड़ देते हैं तो कहने के कहनी टूटी है, दहनी के दहनी टूट जाते। और ये जब मक्खन में से नहीं मिलते हैं तो कहते हैं ये मक्खन नहीं है तो क्या घर है कि मरघटा है, क्योंकि मक्खन ही नहीं रखता। इस प्रकार से बहाना देते हैं, बहाना सुना के शिकायत करने आते हैं। कहना को भगवान कि मैया कहते हैं कि देख कहना क्या शिकायत क्या है, शिकायत अरे शिकायत को हम समझ लिखा दे अंदर की बात है, तुम्हारी कथा पूरा हो जाता। सुनने को गोपियों ने कहा शिकायत लेके तो कहा कि देख का नहीं है क्या शिकायत लेके आए, कहा कि देख मैया तू इनकी बात नहीं मानी, सब झूठी है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम कहो का नहीं आए। तो बहुत से कारण बताए, लेकिन देखो तुम्हारे मक्खन चोरी करके खा जाते हैं तो ऐसा करो ना तो उसको ऊपर खींच के रख, टंगा के रखो, छोटे बालक है थोड़ा क्रोधित आंख दिखा दो, और ये सब कर चुके हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ संजात हास क्रोध करके तो उस पर ऐसे हंसते हैं वो देख करके हमारा हंसी आ जाता है। बहुत सी उपाय तरीके बताए मक्खन को छिपाने के लिए, लेकिन सब देखा कि इतने प्रेम है हमारे बालक से, तो यशोदा कहते हैं देख गोपियो बस हो गया, समझ गए आज से कन्हा तुम्हारो है, चले गए। भगवान ऐसे लीला किए मैया को चले गए और चले बंद करा दिया। तब गोपियों ने कहा कि देखो कन्हैया देख ली ना तुम्हारे से कितना प्रेम है, आज तुमको बंकन के बाण से देखने के लिए हमारे घर बार पति पुत्र सब छोड़ करके आए हैं देखने के लिए, देखने के लिए। अब जो नहीं जाते हैं ना मंदिर में क्या देखने जाते हैं, दर्शन से बढ़कर कोई प्रसाद नहीं, दर्शन ही तो करने ही जाते हैं। और दर्शन हो जाए किसी के वास्तव में तो फिर क्या है, कहना ही मानो जीवन सफल हो जाता है, भव नाम जन्म नाम अंत्य के नाम पाप हो जाता। तो फिर कन्हैया जैसे सुना देखो गोपियों तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारे प्रेम तो हम जान लिया पर तुम हमारा प्रेम नहीं जान रहे, कन्हैया छोड़ने वाला है क्या, हमारा प्रेम नहीं जान रहे कल से, तो देखो आज सुबह से मैया कब से कह रहा है अरे कन्हैया मक्खन खा ले मक्खन खा ले मक्खन खा ले, हम कौ को ना खाए, अरे हमको तो चोरी के खाइबे को मजावत है राजी खुशी को नहीं। तो ये कृष्ण लीला है कि मैं उधर ने कहते हुए महाराज इतना ही कहते हुए कंठन अच्छा लग रहा है, कथा को हम सुनना चाहते हैं, हम आज बोलने नहीं, हमारी कथा तो अगस्त में होता है अपने ऑडिटोरियम में, सबसे निवेदन है कभी मौका मिले जरिए आइए, सबको जानते हैं यहाँ जो बैंजू लोग आते हैं वो भी आते हैं, पर ज़्यादा कथा हम नहीं करते हैं क्योंकि तो संस्था की अपनी बहुत काम है, इसीलिए दो चार कथा करता हूँ, तो जैसा भी होता है करता हूँ, आप सभी को नमन करते हैं यही भी बड़ी कृपा। प्रसिद्ध वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रसिद्ध दामोदर प्रभु की जय। वंदेम श्रीगुरु श्रीतापदकमलम श्रीगुरु वैष्णवानश्च श्रीरूपं सागर जातं सगड़ रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान सगण ललिता शिवशाखान्वितानश्च सर्वप्रथम अपने मदीय गुरुपाद पद्म बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। सर्वप्रथम अपने मदीय गुरुपाद पद्म विराजित परम पूजनीय भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव वृंद मातृवृंद श्रोतवृंद हरिकथा विपाशक को वनित होकर प्रणाम। हरे कृष्ण। यह
जो 6 दिवस से आप श्री महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम के भिन्न भिन्न पक्षों को सुन रहे हैं, इस सबका मूल प्रयोजन क्या है? सारं सारं समुद्रतम, सारा का सारा सार समूह क्या है? सार की ही चर्चा हो रही है बहुत देर से। मक्खन क्या है? सार समूह है। लेकिन सार तक पहुंचा कैसे जाए? श्री व्यास जी के मन में जब अकुलाहट हुई कि मैंने सारे वेद वेदांत की रचना तो कर दी, लेकिन सार समूह जब तक कृष्ण कथा नहीं कही तो उनके चित्तवृत्ति को भी शांति नहीं मिली। श्री पद्म पुराण में व्यास जी ने स्वयं इस भागवत की महिमा के विषय में कहा है कि श्रीमद् भागवतम स्यात् श्रीमद् भागवतम यदा श्लोको श्लोकार्द एव तत्र भगवान श्री कृष्ण वल्लभीर विराजते। जहां इस ग्रंथ सम्राट का जितने भी ग्रंथ इत्यादि हैं, ग्रंथ माने जो हमारे हृदय की ग्रंथि का छेदन करे, हमारे संसार में जो आसक्ति है उस आसक्ति का मूल रूप से जो छेदन करे उसे ही ग्रंथ कहते हैं। लेकिन उस ग्रंथ में प्रवेश करने की क्षमता जीव की नहीं है। जीव ग्रंथ पढ़ तो सकता है, लेकिन उस ग्रंथ के भीतर जो उसको जाने की योग्यता है वह केवल और केवल एक साधु के माध्यम से ही मिलती है। हमारे आचार्य वर्ग श्री भक्तिविनायक वामन गोस्वामी महाराज जी एक बात कहते हैं कि शास्त्र समुद्र के समान है। उस समुद्र में अनेक अनेक प्रकार के रत्न हैं, लेकिन कौन सा रत्न हमारे लिए उपयोगी है इसके विषय में हमें पता नहीं। कोई विशेषज्ञ जब ऐसे शास्त्र रूपी समुद्र में गोता लगाता है तो उसमें से वह रत्न निकाल करके लाता है जो हमारे लिए उपयोगी है। और जीव के लिए परम जो चरम उपयोगी वस्तु है वो है क्या? संसार में समृद्धि इत्यादि, धन इत्यादि, पुत्र वैभव, उससे ऊपर जाओ तो स्वर्ग आदि लोभों की प्राप्ति, स्वर्ग से परे जाओ तो सिद्धजनों के लोग हैं, ब्रह्मादिक के लोग हैं, मुक्त जनों के लोग हैं, वैकुंठ आदि लोग हैं। लेकिन जितनी निकटता श्रीमद् भागवतम के माध्यम से श्री कृष्ण के निकट होती है ऐसा और कोई ग्रंथ करने में संभव नहीं है। और किसी ग्रंथ की इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के निकट आपको ले जाए, इतना निकट ले जाए कि जहां पर वैकुंठ में श्री भगवान को अनेक प्रकार की उनको षोडश उपचार से उनकी सेवा की जाती है, लेकिन श्री ग्रंथराज के निकट आकर के क्या होता है कि भगवान को सखा कहने का अधिकार मिल जाता है, भगवान को अपना बंधु कहने का अधिकार मिल जाता है, भगवान को अपना प्रीतम कहने का अधिकार श्रीमद् भागवतम देती है। तो जहां पर इस ग्रंथराज का श्लोक नहीं आधा श्लोक भी पढ़ा जाता है, श्री व्यास जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि तत्रापि श्री कृष्ण भगवान वल्लभीर विराजते, वहां पर श्री कृष्ण स्वयं है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण ना हो तो इस श्रीमद् भागवतम को सुनते सुनते या सुनने में जो आनंद हमें हो रहा है यही इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण है। अगर श्री कृष्ण नहीं होते, वो अपनी वल्लभीर के साथ नहीं होते, तो ये जो अपने हृदय में आनंद की अनुभूति आप लोग कर रहे हैं ये संभव हो नहीं सकता। ब्रज ही चौरम गोपांगना दुकुल चौरम अनंत जन्माजित पाप चोरम चोर अग्रण्य पुरुषम नमामि। चोरी की बात चल रही है ना, देखो चोर को निमंत्रण देता नहीं है अपने घर में, कोई किसी चोर को निमंत्रण देता नहीं है, लेकिन हमारे बिल मंगल ठाकुर ने चोर को निमंत्रण दिया है। बोले क्यों? बोले हम अपना हृदय श्री कृष्ण को देने में असमर्थ है, हम अपना हृदय श्री कृष्ण को देने में असमर्थ है, नाना प्रकार के सारे साधन विफल हो गए हैं। इस कलयुग के अंदर योग ध्यान तपस्या इत्यादि जो साधन सब विफल हो गए हैं। श्रीमद् महाप्रभु ने विचार किया, इति समझनी गौर त्राण हेतु प्रकट मधुर देहु नाम दाता कृपालु। सारे साधनों को देखा कि योग तपस्या करने से कुछ होगा नहीं, केवल और केवल एक साधन वो क्या? प्रकट मधुर देहु नाम दाता कृपालु, वो स्वरूप में अवतरित हुआ और श्रीमद् महाप्रभु उसको अपने मुखारविंद पे लेकर के सारे विश्व ब्रह्मांड में उसका प्रचार प्रसार किया। तो चोर को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लेकिन श्री बिल्ल मंगल ठाकुर चोर को निमंत्रण दे रहे हैं, आप आइए। बोले क्यों? बोले मैं अपना मन आपको देने में असमर्थ हूं, मेरे मन में संसार की इतनी दुर्वासनाएं हैं कि जब मैं हरिनाम करने बैठता हूं तो सारी की सारी दुश्चिंताएं उस समय ही आती हैं। तो इसलिए क्या करो, आप ब्रज के सबसे प्रसिद्ध चोर हैं। देखो चोरों की गति क्या है, भारत के जितने चोर हैं या विश्व के जितने चोर हैं ना, सारे के सारे कहां हैं? जेल में। एक चोर है जिसको आसन पे बिठा करके जिसकी पूजा की जाती है और एक नहीं सारा विश्व लग रहा है।
और हम नहीं कर रहे हैं, केवल मनुष्य नहीं कर रहे हैं, गंधर्व किन्नर यक्ष सब कर रहे हैं। ऐसा चोर है, ऐसी कौन सी वस्तु चुराता है? बोले ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम। अभी माखन चोरी की बात चल रही है ना, तो नवनीत को क्या करता है, चुरा लेता है बिना निमंत्रण के। और गोपांगना दुकुल चोरम, और जितने भी ब्रजवासी हैं उनके चित्त इत्यादि का हरण करता है। लेकिन इन सारी बातों में सबसे एक महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण चुराते हैं, और वो हमारे लिए बड़ी काम की है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। हम चाहते हैं हमारे अनंत जन्मों के पाप हमसे कोई हर ले। हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे शब्द का उच्चारण का अर्थ क्या है? भवबंध मोचया। आप मेरे भव बंधन को, मैं अपने भव बंधन को काट नहीं सकता, मैं अपने आवागमन को काटने की क्षमता नहीं रखता हूं, इसलिए हरे बुलाया जाता है। हे हरे भव बंधन मोचया, आप भव बंधन का मोचन, मुझ में नहीं कि मैं आपको अपना मन दे सकूं, लेकिन आप मैं तक पहुंचे। हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि सीमित वस्तु फाइनाइट कैन नॉट नो इनफाइनाइट। आप सीमित हैं, आप छोटे हैं, लेकिन असीमित के पास इस बात का अधिकार है कि वो सीमित को अपना प्रकाश दे सकता है। तो ये भागवत क्या है? उनका आह्वान है, उनको बुलाना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन मूलतः बात यही है कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। आप हमारे अनेक अनेक जन्मों के पाप को चुराइए। चोर अग्रण्य पुरुषम नमामि, आपसे बड़ा चोर हमने देखा नहीं। और क्या? श्रीराधिकाय हृदस्थ चोरम। अब यह जब बात कि श्री राधा रानी के हृदय को चुराते हैं, या जो राधा एक निष्ठ है वो कहते हैं राधा रानी जिसके हृदय को चुराए, ऐसा चोर कैसे चुराती है? हमारे श्री प्रबोधन सरस्वती पाद इस बात को कहते हैं कि यस्य कदाप्रांचल खेलन उत्थो धन्यात धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदन उपी तस्या नमोस्तु। श्री विश्वानंदनी अपने निज महलों में अपनी सखियों के साथ अनेक प्रकार का हास परिहास करती हैं, और हास परिहास करते करते कभी क्या होता है, जो पवन है ना वो अपने सखियों के साथ हास परिहास कर रही है, और पवन आकर के क्या करती है, जो वस्त्रांचल है, जो उनका वस्त्र है, जो उनकी चुनरी है, उसके साथ खेलती है। और पवन क्या करती है, उस चुनरी में से श्री राधा रानी के जो उनका दिव्य वपु है उस सुगंधि को चुरा लेती है, और सुगंधि चुरा करके नंद भवन जहां पर श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं उस सुगंधि को लेकर के वहां चली जाती है। श्री कृष्ण की नासिका में जब श्री राधा रानी के वपु की सुगंधि प्रवेश करती है तो शरमूर्छित नंद सुनो संजीवती कापी निकुंज देवी, वहां श्री कृष्ण भी मूर्छित हो जाते हैं। जब माया इतनी प्रभावशाली है कि हम सब लोग मूर्छा अवस्था में हैं, भगवान कपिल देव ने कहा इस बात को, विनित्रया निरंकरस्य, कथा सुनते सुनते भी निद्रा है, कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मन में भाव अभी भी क्या है, मैं यह शरीर हूं, ये जाता नहीं, ये बड़ा कठिन भाव है। तो एक माया जिसने हमें बुला दिया कि हम भगवत दास हैं, और एक योग माया जिसने श्री कृष्ण को, जो श्री कृष्ण को भी पराभूत कर दिया कि आप भगवान हैं। तो वो वायु क्या करती है, वो वायु श्री राधा रानी के वस्त्रांचल की सुगंध को लेकर श्री कृष्ण के निकट आती है, और श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस वायु को प्रणाम करने का सामर्थ्य नहीं उनमें, श्री राधा रानी को प्रणाम नहीं करते हैं, उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में श्री राधा रानी क्या कर रही है, खेल रही है। एक लीला कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि उपदेश अपनी जगह पर है, और जब तक उसमें लीला का छींटा ना लगे तब तक बात पूरी होती नहीं। जब तक श्री कृष्ण लीला का छींटा ना लगे, येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति रम्य कर्माणि मनोज्ञानि च न प्रभो। हे प्रभु, आपके तो अनेकानेक अवतार हैं, भागवत में आपने सुना होगा अनेक अनेक प्रकार के अवतार लिए हैं, लेकिन यह जो अवतार है श्री कृष्ण अवतार, यह क्या है, ये लीलामय अवतार है। संपोषण संवर्धन इति लीला, जो आपके चित्त का संपोषण करे, जो डूबते हुए चित्त को संभाले, जो डूबती हुई मनोदशा को, जो साधु है क्या, हमारी निम्न गामनी चेतना को उर्ध गामनी बना दे,
संसार में हमारी चेतना जा रही है, वो अपनी वाणी के कुठार से थोड़ी देर के लिए हमें हमारी निद्रा से बाहर निकाल ले। विषादु श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में हास परिहास करते हैं, हास परिहास करते करते कभी श्री कृष्ण अनेकानेक खेलों में जब हार जाते हैं, जब पूर्ण रूप से पराभूत हो जाते हैं, तो मधुमंगल श्री राधा रानी के निकट जाकर कहते हैं, बोले हे राधे, हम जानते हैं कि इस सारे खेलों में आपसे हार जाते हैं, लेकिन एक खेल है, एक ऐसी परीक्षा है आपसे जीतेंगे। बोले क्या? बोले वो है इनका नाचना, कि नृत्य कौशल बड़ा अच्छा है इनका। तो राधा रानी मनी मन में विचार करती है, नृत्य कौशल की क्षमता दी किसने? हम ही नहीं दी। मध्याह्न के समय में आकर के नृत्य कौन सिखाता है? हम ही सिखाती है। तो ठीक है, तुम तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा, भैया बड़े सहज रूप से बात करना, वह सारे की सारे नृत्य कला में वो सबसे बड़ी प्रवीण है। तो मधुमंगल ने जाकर के बात कही, देखो भैया नृत्य तो होगा, लेकिन पहले नृत्य श्रीमती करेंगी, और श्रीमती नृत्य करेंगी तो उसके चार नियम हैं। बोले क्या चार नियम हैं? बोले सबसे पहला नियम यह है कि जब श्री राधा रानी नृत्य करें तो उनके वस्त्र नहीं हिलने चाहिए। सखियों ने कहा, ये कैसा नियम भैया, अब व्यक्ति नृत्य करेगा तो वस्त्र हिलेंगे? हिलेंगे ना हिलेंगे। दूसरा, ये नृत्य करें तो इनके अलंकारों में से कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। बोले कैसे नियम आप लागू कर रहे हैं? बोले अगर कर सकते हैं तो आइए। बोले आगे और क्या नियम है आपके? बोले तीसरा नियम यह है कि जैसी तान श्री कृष्ण अपनी वेणु ध्वनि से मुखरित करेंगे, स्वरित करेंगे, उसी तान पर नाचना होगा। और चौथा, हमने एक गोलाधार एक आकार बना दिया, इसी के भीतर नाचना होगा, अगर इसके बाहर गई तो मानो परास्त हो गई। मधुमंगल वापस आए श्री कृष्ण के पास, बोले श्री कृष्ण, माना आप सारी कलाओं में श्री जी से हार जाते हैं, लेकिन हमने ऐसी कठोर शर्तें रखी है कि आज हार नहीं सकते आप, आज आप हार नहीं सकते हैं। ठीक है, श्री जी आई है, शीघ्र आती शीघ्र तम खत्म करूंगा, बहुत लंबा पक्ष है। श्री कृष्ण ने अपने अधरोष्ठ पर वेणु विराजित की, वेणु विराजित करके सोचा ये तो वैसे ही हार जाएंगे, क्योंकि वस्त्र तो हिलेंगे हिलेंगे, अलंकार तो अपनी ध्वनि करेंगे करेंगे। श्री राधा रानी नृत्य किया तो वस्त्र नहीं हिल रहे, पहला पॉइंट खत्म। बोले हो दूसरा किया तो बड़े कान लगा करके सब लोग सुन रहे हैं कि कहीं कोई ध्वनि आ जाए, कोई ध्वनि भी उदित नहीं हो रही। इतने में आधे सगा भाग गए, सगाओं ने कहा, अरे भैया हमें फंसा गए, ऐसे ही है सर ये। अरे ठाकुर जी विचित्र है, दावा नल के अंदर जब अग्नि है, चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, कह रहे आंख बंद कर, लाला तेरो जैसे शत्रु की क्या आवश्यकता है, अग्नि चारों तरफ, तू बोल रहे आंख बंद कर ले, थोड़ी देर में चक्कर में तो वैसी आंख बंद हो जानी है हमारी। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि भैया कुछ ध्वनि आई कि नहीं आई? बोले कोई ध्वनि नहीं आई है, आधे गायब। अब बच गए दो पक्ष। तीसरी बात देखी कि जिस प्रकार की ध्वनि मैं करूंगा, श्री राधा रानी की चरणों की गति और वेणु ध्वनि एक होनी चाहिए। अब श्री कृष्ण पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम सारे आलाप कर लिए, लेकिन श्री राधा रानी की चरणों की गति और श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि एक हुई। अंतिम पक्ष रह गया किसी भी तरीके से, अंतिम पक्ष रह गया किसी तरीके से इनके चरणारविंद इस गोलाकार, वो भी संभव नहीं हुआ। अंत में सिर्फ सिर्फ श्री कृष्ण रह गए। तो राधा रानी की सखियों ने कहा कि देखो, हमने तो अपनी विजय पताका है, अगर आप अपना मैदान बचाना चाहते हैं तो आ जाइए। तो श्री कृष्ण को बुलाया गया, मधुमंगल ने कहा जाइए। बोले जाइए? बोले हम तो पहले ही परास्त हैं। बोले अगर उन्होंने इन शर्तों में से एक भी शर्त रख दी तो हम तो वैसे ही परास्त हो जाएंगे। बोले जाइए तो सही, बड़ी उदार चित्त है वह, वो बड़ी करुणा बल डाले, हो सकता है वैसे ही छोड़ दें आपको, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण पहुंचे, ललता सखी है, ललता सखी ने कहा देखो आपने चार शर्त रखी है तो भैया हम भी रखेंगे। बोले पहला, आपके वस्त्र अलंकार नहीं हिलने चाहिए। ठाकुर जी यहां वहां देख रहे हैं। बोले आप यहां वहां कहां देख रहे हैं? बोले आप यहां वहां कहां देख रहे हैं? तो बोले हम शर्त सुनने की आवश्यकता ही नहीं, हमें किस बात की, वैसी भी चाहिए। लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कौन सी दिशा से भागना है, मन में विचार कर रहे हैं किस दिशा से हमें जो है भागना है। दूसरा, आपके अलंकार इत्यादि जो है वह ध्वनि नहीं करेंगे, सुन रहे हैं यहां वहां देख रहे हैं। तीसरा,
राधा रानी जैसे अपने अधरों पे जो है वेणु इत्यादि तो आपको उसी के अनुसार नृत्य करना पड़ेगा। और चौथा, आपने तो अपने हृदय को प्रदर्शित कर दिया था, केवल गोलाकार कर दिया। हमारा हृदय बड़ा उदार है, आपकी पूरी मौज में जा नाचना आप नाची। यहाँ पर ललता सखी ने जो था वीणा इत्यादि हाथ में रखी, विशाखा से भी ने मृदंग उठाया और श्री जी ने जो ही अपने अधरोष्ठ पर वेणु ध्वनि की, कहां पीताम्बर, कहां वस्त्र, कहां ध्वनि, पहले ही पक्ष में, पहले ही पद में परास्त हुए और भागे सीधा। वो जो ही भागे, ललता सखी ने कहा जाओ पकड़ के लाओ सबको। तो ये संजीवनी कापी निकुंज देवी केरपि नागरण पदे निवेत्य, ये जो वृंदावन है ना भैया, ये यहां से समझ नहीं आता। भगवत कथा की यात्रा है ना, कहने को तो बहुत, मैंने क्या करे, माइक हमारे हाथ में आ रहे तो छूटता नहीं, बीमारी है हमारी। ये जो यहां से आरंभ होती है, ये बुद्धि से लेकर के हृदय तक की यात्रा बड़ी कठिन है, लेकिन वृंदावन बड़ा सहज बना देता है कि जिस भगवान को ढूंढने के लिए वेद ने नेति नेति कह करके परास्त कर दिया, वहां पर स्थान जी ने कह दिया सही तो गवार जिन कीनो नहीं प्यार, सेव दरबार यार नंद के कुमार को। अरे वृंदावन का रस प्राप्त करना है ना, तो आपको प्रबुद्ध नहीं होना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से मूर्खता को प्राप्त करना पड़ेगा। कृष्ण कृष्ण ही हमारे, ऐसी मूर्खता बड़ी कठिन है, वो सहजता तो साधुओं के हृदय का धन है। हमारे श्री महाराज जी यहाँ पर विराजित, हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, उनके कंठ से आपको पता चल रहा है कि परिश्रम का स्तर क्या है, अपने आप जान जाइए, उनके कंठ से पता चल रहा है कि उनके परिश्रम का स्तर क्या है। और ऐसे परिश्रम के स्तर पे, ऐसे गुरुपाद पद्म के चरणों में अनुरक्त साधु के मुखारविंद से जो कथा परिवेशित हो रही है ना, इसका प्रभाव हो सकता है अभी ना जाने, लेकिन शरीर छूटते समय हम जानेंगे। हो ऐसे विशुद्ध वैष्णव धारा के अंदर बिना हमारे निमंत्रण के, बिना हमारे पुरुषार्थ के साधु आया और उन्होंने हमें कृष्ण कथा का पान कराया, हमारी वास्तविक संपत्ति यही, इससे ऊपर और बड़ी संपत्ति और कोई नहीं। तो कहने से पहले सिर्फ इतनी ही बात के छठा दिवस है, अनेक अनेक प्रकरण तो हो गए होंगे, बातें तो हो गई होंगी, लीलाएं भी हो चुकी होंगी, निवेदन सिर्फ इतना ही है कि भजन मार्ग पर चलने का बल जो है साधुगण ही देते हैं और हमारी चित्त वृत्ति को संभालने का कार्य जो है उनके हाथ में है। तो विशेषकर श्री गुरुपाद पद्म के अन्य जितने भी वैष्णव वृंद हैं, श्री महाराज जी के चरणारविंद में आप सबके चरण कमलों में मेरा यही एक निवेदन है कि भगवत भक्ति की प्रेरणा ऐसी ही बनाए रखें, अपने जीवन में हरिनाम रूपी संपत्ति को जितना शीघ्र अतिशीघ्रतम धारण कर सकें, यही जो है इस भागवत का मूल जो है लक्ष्य है। वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भेज पदकानां पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो, आज हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हमारे बीच में हमारे जो बड़े गुरु जी का शिष्य लोग आए हुए हैं, ये हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य है, नवीन प्रभु आए, जीत प्रभु जी आए, हम चाहते हैं सब लोग थोड़ी थोड़ी बोलेंगे। अरे ये बच्चा थोड़ी सी, ये बड़े समय से बैठा है, ये थोड़ी सी कथा सुनाएगा। हाँ प्रभु जी, तुम इधर आ जाओ। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, हाँ देखो ये छोटे बच्चा को देखो, अरे आगे बैठो, ये बच्चा आगे बैठो। हाँ देखो ये छोटे छोटे बच्चे बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, ऐसे नहीं यो कुछ ये सब लिखे बड़े नहीं है, सब अच्छे लिखे बड़े हैं। बताओ तो तुम बोलो। I have done electronics and communication engineering from the second topmost college of Haryana. Haryana के second topmost college से मैं electronics and communication engineering किया है और second rank पूरे department में second rank प्राप्त करी है। श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनाघ्रातं भृंगै रनपहत सौगंध मलिनै
रनुत्पन्नम नीरे क्वचन चचिदानंद सरसु यशोदाया क्रोडे कुबलयामि बहुजास्तद भवेत्। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्वल करह विशालाक्ष दीर्घार गलयुगल खेलांचित भुजौ सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। हरे कृष्णा। सबसे पहले व्यास आसन पर विराजमान मेरे पूज्य परमाराध्य सद्गुरुदेव जिनकी वाणी से अलंकृत होकर के साक्षात श्री त्रिभुवनपति श्री कृष्ण आज हमारे बीच में श्रीमद् भागवत के रूप में उपस्थित हैं, ऐसे श्री महाराज जी के श्री सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके बाद परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग भगवत भक्तानुरागी कथा श्रोतृवृंद प्रेमानंद संपायमान इत्यादि समस्त यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्युत वरिण्य जन जिनके हृदय में केली करते हुए बालकृष्ण लाल को मैं हृदय से मन से प्रणाम करता हूँ। अभी प्रभु जी ने बहुत सरस कथा सुनाई है। देखिए गुरुदेव का आदेश हुआ है कि प्रसंगानुकूल थोड़ी सी भगवत चर्चा हो जाए। हम लोग वही कथा वापस से सुन रहे हैं, पिछले वर्ष भी सुनी वही कथा है, वही चलती आ रही है। उसमें रस के वर्षण तो होवेंगे ही होवेंगे, अतः एव वह कथा वही है। मानस अनुसार सुनत अगाही राम हरे श्री राम हरे रस विशेष जाना तिन नाही राम हरे श्री राम हरे। राम चरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना, जिसने श्री भगवान के चरित्र को सुनकर के बस कर दिया उसने उस रस को अभी जाना ही नहीं है। अस्तु देखिए हमारा सौभाग्य है आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग को यह सब तो कि यह ना केवल श्री भगवान की कथा है अपितु इसमें भक्त अन्य ग्रंथों के अनुसार गोपियां हैं। गोपी शब्द का अर्थ अन्यान्य प्रकार से बहुतों ने किया है। गोवै कृष्णम रसप पिबती गोपी, जो प्रत्येक अपने प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण रसानुरागी हैं, अनुरागी हैं, कृष्ण रस को का पान करती हैं, उसे गोपी कहते हैं। इनके आने का श्रीमद् रासलीला षष्ठम रासलीला हयोहनः सब षष्ठम दिवस जो है वो श्रीमद् रासलीला का होता है। अभी पूज्य गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि श्रीमद् रासलीला पर ही कुछ कहूं, यद्यपि मेरी योग्यता नहीं है पर एव ही श्री जैसे गुरु कृपा ही जैसे सद्गुरुदेव अपना वरदहस्त रखते हैं तो अकारणा वरुणालय श्री भगवान भी कृपा करके उसको उसके अधिकार से ऊपर की वस्तु प्रदान कर देते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण और श्रीमती गोपियां इत्यादि इनके विषय में कई तरह की बातें करते हैं, रास है क्या नहीं है और अन्य प्रकार के अपने शब्दों को उठा करके उस पर आक्षेप और विक्षेप करते हैं। देखिए ये रासलीला वास्तव में क्या है। रासलीला को श्रीधर स्वामी कहते हैं ये कामोज्जयति लीला सहति रासलीलोद्भवत। ये कामोज्जय लीला है, काम का जो हमारे मन में काम रहता है यदि रास श्रवण करें तो वह निश्चित रूप से वह दूर हो जाएगा। इसकी है विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णुः श्रद्धान्नतोऽनुसृणुयादत वरणयुध्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरौ गमस्वपहिनोत्य चिरेण धीरः। जिनके श्रवण करने से हमारे मन में
बहुत बड़ा रोग काम नष्ट हो जाए उसे रास कहते हैं। अब आ जाइए, समय का अभाव है, पहले मैं आपको पहले श्लोक से ही लेकर के चलता हूं। पहला श्लोक, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायां उपाश्रिता तदोडुरो राजः ककुवरदन प्राच्छान लिम्पन नरुणेन संतमय विवर्चनी नाम उद्गाचुचो प्रियं प्रियाया इव दीर्घ दर्शयन दृष्ट्वा कुमुत्तव खंड मंडलम रमानना भम्यः कुमकुमारुणम वनम च तत्त्वो मलगोभिरंजितं जगौ कलं वाम दुशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनंग वरधनं ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्युन्य मलक्षितोद्यमा यत्र कांतो जवलो लकुंडला दुहंत्यो भी ये योकाश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधी शत्व संयाव मर्दवाश्चा परायो परिवेश यंदित्वा पारे अंतह शुशुन्पयह शुश्रु शन्निम पतिम काश्चित अश्यन्य उपाश्य भोजनम लिंपन्त्य प्रम्रजंतुन्या अंजन्त्य काश्यलोचने व्यक्तस्तवस्त्रा भरणात् काश्चित कृष्णांतिकम ययो तावर्य माना पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविंदात्मानं नंग वर्तन्त मोहिता अंतर में ग्रेता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता तद्दुर्मीलित लोचना दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पशुता शुभा ध्यान प्राप्ता चितश्लेष निर्वित्याक्षीण मंगला। पहले यहां तक का श्रवण कर लीजिए। भगवान अपि तारात्रि, भगवान ने स्पेशल नाइट को का इंट्रोडक्शन कराया है। वो रात्रि जो भगवान ने रासलीला के लिए प्रस्तुत करी है, वो रात्रि विभिन्न तत्वों से युक्त नहीं है, वो कृष्ण प्रेम रात्रि है। भगवान ने करुणा करके उस रात्रि का आवाहन किया है। चक्रवर्ती पाद के अनुसार वहां का जो चंद्रमा है वो भी अलग है, सब कुछ अलग है वहां का, इसलिए इस लीला को षडमास की कहा है, छह महीने की लीला है। अतः एव यहाँ पे तो 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। देखिए भगवान आए हैं, भगवान ने योग मायाम उपाश्रितः राधा रानी को बुलाया है पहले, फिर गोपियों को बुलाया। अब जैसे गोपियां आ रही हैं, वो देखिए, दुहंत्यो भी योकाश्चित दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधी शत्व संयाव मर्दवाश्चा परायो। पहली गोपी आई, गोपी क्या है, बेदी में बाल कृष्ण मेहंदी में मोहन प्यारे चोटी में चोर शाम मोती में मुरारी है। बेदी में बाल कृष्ण मेहंदी में मोहन प्यारे चोटी में चोर शाम मोती में मुरारी है। कमल फूल कमलापति करण फूल कमलापति द्विति दामिनी दीनानाथ हारों में हरि और बाजूबंद में बिहारी है। हारों में हरि और बाजूबंद में बिहारी है। पहली गोपी दूध निकाल रही थी गाय का, इतनी देर में दूध निकालते निकालते भगवान की वंशी प्रस्तुत हुई। भगवान ने वेणी का निनाद किया, वेणु का निनाद किया, वेणु बजी, बजने के बाद तुरंत गोपी उठ करके जाने लगी। इतने में गोपी ने देखा कि ये आधी बाल्टी दूध जो मैंने निकाल लिया था वो यदि कृष्ण रास लीला में प्रस्तुत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसने एक फटकार लगाई, वो आधी बाल्टी दूध गिर गया। वंशी ने पूछा कि आधी बाल्टी, भगवान बुला रहे हैं वंशी वादन करके तो तू चल, लेकिन ये आधी बाल्टी दूध क्यों गिरा दिया। उसने कहा, रासलीला में श्री भगवान के साथ विहार करते करते यदि आधी बाल्टी दूध याद आ गया तो उतनी देर के लिए मैं कृष्ण रस से वंचित हो जाऊंगी, तो मानो समस्त इंद्रियों का परित्याग करके गोविंद कृष्ण दर्शन के लिए पहुंची। अतः एव कोई गोपी भोजन परोस रही थी, भोजन परोसते परोसते भगवान की वंशी प्रस्तुत हुई, वो भोजन छोड़ करके भागी है। कोई गोपी भगवान से वैसे मिलने के लिए भागी है। अतः एव सारी की सारी गोपी रासलीला में प्रस्तुत हुई है। बहुत बड़ा विवरण है। देखिए रासलीला का जो शब्द है, ये जो रासलीला चल रही है ये साधारण नहीं है। इसकी नायिका जो वो वेद की ऋचाएं हैं, गोपियां साधारण नहीं है और नायक त्रिभुवन पति श्री कृष्ण है। अतः एव ये दिव्य रासलीला में गोपियां आई हैं। भगवान ने पहला रास किया है। रासोत्सव संप्रवित्रो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेन कृष्णेन तासां मध्ये दयोर्दयोर् दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव,
भगवान ने रास किया है। उसके बाद गोपियों को के मन में हो अहंकार आ गया कि देखो जगत जिसके थिरकन पे, जिसके नृत्य पे सारा ब्रज नाचता है, आज वो हमारे साथ नाच रहा है। गोपियां पैर की नूपुर खोल देती हैं तो कृष्ण से कहती है चलो नूपुर बांधो। भगवान नूपुर बांधते हैं, उससे गोपियों को मद हो गया। मद होने के बाद गोपियों के बीच में भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवते सहसे ब्रजांगना अतप्य समचान अक्षकरण्य इव यूथपम। भगवान वहां से गए हैं। उसके बाद गोपियों ने गोपी गीत करके भगवान को बुलाया है। बुलाने के बाद श्री भगवान गोपी गीत के माध्यम से आए हैं, फिर महारास हुआ है। भगवान का महारास हुआ है, एतत यह रासलीला संपादित हुई है। ये रासलीला का दर्शन इसीलिए कराना जरूरी था क्योंकि आज षष्ठम दिवस था और गुरुदेव की आज्ञा थी। अब चलो, गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं कुछ तिलक और कंठी के ऊपर भी बोल दूं क्योंकि वो बोलना अत्यधिक आवश्यक है। देखो वैष्णवों का अलंकार है तिलक और कंठी। जैसे कोई कमर तक घूंघट करके कोई नई नई बहू है और वो अपने घर के बाहर जावे और जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उसके मस्तक पर बिंदी सुशोभित है, मांग में सिंदूर सुशोभित है, गले में मंगल सूत्र सुशोभित है, तो सामने यदि कोई व्यक्ति कामना और वासनाओं से युक्त होगा तो इसके गले में बैठे हुए, इसके गले में पड़े हुए मंगल सूत्र को देखेगा और मस्तक पर सिंदूर को देखेगा तो समझ जावेगा कि हाँ ये पहले से किसी की परिणिता है, ये पहले से किसी से इसका विवाह हो चुका है और इसका पाणि ग्रहण पहले ही हो चुका है, अतः वो उस दृष्टि से उसको नहीं निहारेगा। ऐसे ही जब व्यक्ति गले में कंठी धारण करता है, मस्तक पर तिलक सुशोभित करता है तो चल, और जब वो प्रतिगमन करता है तो सामने गंदी माया और वासना भी एक बार देख करके उसको सावधान हो जाएगी कि अब इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये श्री गोविंद का है। कंठी की बहुत महिमा है। रासलीला में ही अभी रासलीला चल रहा था, उसमें गोपियां ही महिमा कह देती हैं। श्री तुलसी की कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलई विप्र दृष्ट केन प्रियच्युता। हे तुलसी कल्याणी, कल्याणी ये कल्याण करने वाली ही है। देखिए पद्म पुराण में श्लोक है, जिसके गले में तुलसी नहीं है ना, आप लोग तुलसी जरूर धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि जिसके गले में तुलसी नहीं है उसके लिए व्यास जी कह रहे हैं, यत कंठे श्रुणोति विश्राम समम चान्नम जलम च मदिरासमम। जिसके गले में तुलसी नहीं है ना, वह मूढ़ मनुष्य है, मूर्ख मनुष्य है। उसके द्वारा छुआ हुआ जो जल है मदिरा है और छुआ हुआ अन्न है, जो अन्न है वो स्वान विष्ठा के समान है। वह मूढ़ मनुष्य निश्चित ही है तुलसी जी यदि धारण नहीं कर तो। भारतवर्ष में समस्त पवित्र नदियों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह है तुलसी जी की महिमा। और सिते तु लभते बाज मेदी फलम मुने। यदि भोजन कर रहे हैं और गले में कंठी है, मुख में भोजन का निवाला प्रस्तुत किया है, वह जिह्वा से होता हुआ कंठावली पर पड़ता हुआ उसको कंठी का स्पर्श, तो व्यास जी कहते हैं एक एक अन्न के दाने पर 100-100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। यह तुलसी जी की महिमा। और तिलक की, हमारा वैष्णवों का जो तिलक है उसको कहते तो भी भगवान का वचन है, मम लोके महीयते, उसकी होगी अपने विमान में बिठा करके मैं उसको अपने संग अपने धाम ले जाऊंगा। यह तिलक की विशेष महिमा है। सबते तिलक अरुमाला सदा सहाय रहे गोपाला, दूब साटी जो संत ही मा
चैन जा उसी और कंठी है निश्चिंत होने की साक्षात प्रणति भूकंठ सो लगई है। भक्तमाली कह रहे हैं जिसके गले में कंठी और तिलक है ना, मृत्यु के पर्यंत उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी और ठाकुरानी अपनी गोदी में उसको अपने धाम पे ले जाएंगे। ये तिलक और कंठी की दिव्य महिमा है। तिलक और कंठी की आप लोगों को दिव्य महिमा बताई, आप अवश्य दीक्षा जो तिलक कंठी है, क्योंकि विराजमान करने का अधिकार संतप प्रवर को होता है और संतप प्रवर से ही आप लोग अपनी कंठ में कंठी सुशोभित करवाइए। आप अवश्य अवश्य अपने बच्चों को भी और खुद कंठी और तिलक अवश्य धारण कीजिए, यही में सार्थकता है। वैष्णवों का आभूषण है तिलक और कंठी। वैष्णव वैष्णवता की ओर कभी प्रविष्ट नहीं कर पाता। कभी को तुलसी जी इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि वो तुलसी जी है ना, उसके पत्र जो उनका पत्र उसकी नीचे की शाखा है ना, उसकी करधनी बना करके किसी करधनी बना करके और अपने आप अपनी करधनी कमर में सुशोभित की जाती है, लेकिन उधर उसका नाम करधनी ही है, अन्य अन्य प्रकार के संस्कृत के अर्थ हैं, तो वो अपने अपने अपनी अंगूठी धारण करती हैं। तुलसी जी उनको इतनी प्यारी है। आप सब लोग तुलसी और तिलक अवश्य धारण कीजिए। समय का अभाव है, बस इतना ही वक्त वाणी को विराम दूंगा। सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हरे कृष्ण। जैसे वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे जी। राधे राधे जी। आज हमारे बीच हमारे प्रिय भाई राजपाल जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब उनका स्वागत करो, तालियां बजा के। राजपाल भैया की। भैया की इसलिए जय जयकार इस बार कराई क्योंकि भागवत में इस बार इनका बहुत बड़ा योगदान है। कि जैसे कि हमारी भागवत और टेंट तक उखड़ने की नौबत आने वाली थी, तो भैया से ही कह के फोन करवाया गया था कि भैया उखड़ने वाला जरा एफसीडी वालों को संभाल लीजिए, तो भैया ने फोन करके उसी बस सारा रुकवाया और उन्होंने बहुत मदद की। जोरदार थाली बजा। और यहाँ पे महाराज जी सभी भक्तों से यही भगवान को दिया है, चाहे वो रूप में हो, चाहे परिंदे पक्षी के रूप में हो या जानवर, लेकिन प्रभु ने अपनी लीला में जो मनुष्य का स्वरूप दिया है उस घट में अपना वास किया और हम सब के बीच में अभी प्रभु जी बता कंठी के और तिलक की जो संरचना समाज में जो वैष्णव के रूप में की है उसकी व्याख्या अभी कर रहे थे और ये भी शब्द कह रहे थे कि जब किसी बहन के सर में उनकी मांग में सिंदूर होता है, हमारे द्वारा कोई कवरूपी कार्य हमसे हो जाते हैं, उसको भी इस भक्ति के भाव में समाप्त कर हमें एक अवसर मिलता है और ये अवसर हर वर्ष आपको आपकी कॉलोनी में मिलता है। मैं इस मौके पर अपनी कॉलोनी के आर्य समाज के हमारे कुछ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, सनातन सभा के महामंत्री श्री राजन गोयल जी भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भाई सन्नी जी भी हमारे साथ हैं और धर्म के काम में लगा हुआ हर व्यक्ति संगठन और हमारी पार्टी का है। क्यों, इस देश के अंदर जब से माननीय यशस्वी मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने धर्म के बीड़ा को और तरीके से उठाने का
आज उसी के निमित्त भगवान का एक ऐसा अनूठा मंदिर दान हमसे जीवन में हो सकता है, चाहे अपनी वाणी के माध्यम से, अपने धन वचा के माध्यम से, अपनी कार सेवा के माध्यम से करना चाहिए कि आने वाले ये याद रखे कि ये हमारे उन बुजुर्गों के काल में इस भगवान का भव्य मंदिर बना। आज मेरे मौके पर जब मेरा चुनाव था, चुनाव से दो दिन पहले स्वामी जी की का कार्यक्रम था, मुझे आज भी याद है कि जब हम अपनी उस यात्रा पर निकल रहे थे तो स्वामी जी की सवारी, प्रभु की लीला ऐसी थी कि वहां पर गढ़ी में मेरे को इनके दर्शन करने का, आप जब गढ़ी में इस्कॉन टेम्पल से अंदर घुसेंगे जो साईं बाबा का मंदिर है, उसको भी बहुत बड़ा योगदान अपनी दुकान में स्थापित करना सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सब ऐसी जिज्ञासा, ऐसा व्यक्तित्व बने कि समाज में आपकी मिसाल दी जा सके। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। हरे कृष्णा 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 कृष्णा। बहुत सुंदर। तरफ से मनोज करके और मोनिका करके उनके साथ जोरदार तालियां हो जाए। और वो एक ऐसी फैमिली है जो देर से तब से वो हमारे साथ है और एक ना एक दिन की वो सेवा जरूर ग्रहण करते हैं। वो आए लेकिन हमेशा भक्ति से, स्वभाव से और उस सब चीजों से जुड़े रहते हैं और हमेशा हमें योगदान देते रहते हैं और हमेशा ही महाराज जी के सानिध्य में प्राप्त करते हैं। आज महाराज की आज क्या महिमा, हमारे नवीन प्रभु थोड़ी सी आपको आज की कथा सुनाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यानंद ओम विष्णुपाद भक्तिवेदान्त नारायण गुरुदेव के मुखारविंद से जो कुछ हमने सुना वह हम सुनाने का प्रयास करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट होने की इच्छा से यहां आने की इच्छा प्रकट राधा रानी के समक्ष किया तो राधा रानी के सामने कही कि चलो अब पृथ्वी पर चलते हैं। तो राधा रानी ने कहा मैं वहां वृंदावन से इस फूलों का तो राजा किया ठीक है राज्य और कोई नहीं स्वयं विष्णु। देखो ये गुण अवतार कहलाते हैं, शंकर जी को गुण अवतार कहते हैं, ब्रह्मा जी को गुण अवतार कहते हैं और स्वयं विष्णु जी को भी गुण अवतार कहते हैं। शंकर जी जो है संहार करते हैं, प्रलय करते हैं, इसीलिए तमोगुणी अवतार कहलाते हैं। ब्रह्मा जी यहां पर सब जीवों कृष्ण का सबसे पहले तो उन्होंने बतलाया कि भगवान कैसे हैं। भगवान सत्य चित्त आनंद है। ब्रह्मा जी बोल रहे ना सत्य चित्त आनंद विग्रह, अर्थात सत है, सत्य मतलब बोलता है सनातन, हमेशा रहने वाला जो था है और रहेगा उसे कहते हैं सत्य चित्त। चित्त मतलब होता है जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, वो अविद्या से लिप्त नहीं रहता, एकमात्र ज्ञान उसके अंदर उनका चित्त चुरा लेता है। ये माखन लीला, माखन चोर की जो लीला है, जो सबसे प्यारी लीला बाल लीलाओं में माखन चोरी लीला है। कारण ये नहीं कि भगवान पर अभाव था,
दूध का, माखन का, छाछ का, ऐसा नहीं। भगवान के जो पिता है नंद बाबा, उनके यहाँ 9 लाख गैयाएं हैं, और 9 लाख गैया इतनी विशिष्ट विशिष्ट गैया कामधेनु स्वरूपा वहां पर प्रकट है, और हर प्रकार से हमारी तरह नहीं, वो जो बड़े बड़े वेदों की ऋचा ने रोम कुपों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में प्रकट किया, ये तो भगवान की सृष्टि। अब उसमें भी भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट करके उन सृष्टि के अंदर पुनः सृष्टि जो की जीवों के द्वारा, वह ब्रह्मा जी की सृष्टि है। तो ये जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण चंद्र है। तो कह रहे हैं कि उनका स्वरूप तो सच्चिदानंद है, और यहां वो क्या कार्य करते हैं, यहां पर हम सबकी सृष्टि करते हैं, हम सबका पालन करते हैं, जिससे कि हम भगवान के धाम जा सके, भगवान की भक्ति कर सके। और यदि हम नहीं मानते, माया के चक्कर में फंस करके उठपटांग कामों में लग जाते हैं, तो फिर से इसको ध्वंस कर देते हैं। जिस प्रकार से बच्चे यदि खेल खेल में घर बनाते हैं, रेत पर हम सब ने बनाया, और रेत पर हम घर बनाते हैं, अच्छा नहीं बनता तोड़ देते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान देखते हैं समस्त जीव, और जीव में सर्वश्रेष्ठ जो मैंने योनि बनाई है मनुष्य योनि, उसमें भी मनुष्य योनि जो है मेरा भजन नहीं कर रही, क्या कर रही है, पशु समान की तरह खा रही है, पी रही है, मैथुन कर रही है और सो रही है। तो क्या करते हैं भगवान, फिर पढ़ ले आ जाते हैं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये तो भगवान का, और इसी श्लोक के अंदर वेद व्यास जी बता रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। स्वभाव है तापत्रया विनाशाय, अर्थात तीन तापों से हम दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, और बार बार मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उन सब तापों को विनाश कर देते हैं, और हमें यहां पर सदगुरु के चरणों में डाल करके पुनः एक मौका दे करके अपने गोलोक वृंदावन में बुला लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुंदर तरीके से कड़ाई बड़े बड़े हुए, और ब्रजवासीगण अपने अपने घरों में भी बड़े बड़े कड़ाई चढ़ा करके, वहां पर कोई पकौड़े बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई कड़ी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई मीठे चावल बना रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, छोले बना रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं। तो और जब थोड़ा सुबह हुई तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने पलंग से उठ करके बाहर आंखें मलते मलते जब पहुंचे तो देखा, बाबा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा आज इंद्र पूजा है, और इंद्र को प्रसन्न के लिए ये सारा भोग तैयार हो रहा है। तो उन्होंने, अच्छा बाबा ये इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं। तो उन्होंने, देखो बेटा इंद्र की यदि हम पूजा ना करें तो वह जल रूपी वर्षा नहीं देगा, और जब जल रूपी वर्षा नहीं होगी तो घास नहीं होगी, औषधियां नहीं होंगी, अन्न नहीं उत्पन्न होगा, और हमारी गैया और हम सब भूखे मर जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि देखो बाबा आप कैसी बातें कर रहे हो, भगवान जो है सबको सब कुछ देने वाले हैं, ये इंद्र तो देवताओं का राजा है, तो देखो आप जो है ऐसे प्रभु को भजो, ऐसे प्रभु को भोग लगाओ जो आप सब कुछ बना रहे, इतना प्रयास कर रहे, परिश्रम कर रहे, वो सब कुछ पाए, सब कुछ खाए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की बात सुनकर नंद बाबा ने सोचा बालक है, इसको क्या समझाऊं। उन्होंने, देखो भगवान को भोग लगता है, इंद्र को भोग लगता है, अन्य अन्य देवी देवताओं को भोग लगता है, तो आज इंद्र दिवस है, इंद्र का भोग लगेगा, इंद्र भोग लगाएंगे, इंद्र को भोग लगाएंगे तो प्रसन्न होगा, तो बस इतना समझ। तब भगवान जित पर अड़े रहे, नहीं बाबा आप गलत बोल रहे हैं, अरे ऐसे का आप भोग लगाओ जो इसका भोग भी पाए, और ये जो देवी देवता हैं उनका भी जो राजा हो, जो इन पर हो, एक नजर से एक टेढ़ी नजर नहीं की तो काल भी भयभीत हो जाए, ये इंद्र चंद्र आदि सूर्य जितने भी देवी देवता हैं भय से गतिमान होते हैं, तो ऐसा कौन है। तो भगवान
अब बाबा जो है, बाबा को तो नहीं कह सकते कि ऐसा मैं ही हूं, क्योंकि यहां ब्रज लीला चल रही है, यहां ऐश्वर्य लीला नहीं है। ब्रज और द्वारिका में भेद है, ब्रज और जितने भी नारायण के वैकुंठ लोक है उनमें भेद है। भगवान श्री कृष्ण जो है मधुर लीला करते हैं, उसमें ये जताते कृष्ण, तूने माटी खाई? नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। क्या तात्पर्य है? भगवान क्या माटी खाएंगे? इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड जिससे प्रकट होते हैं, जिसके पेट में है, माटी के ब्रह्मांड जिसके माटी खाएगा उसी से सब। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, उन्हीं से सब कुछ प्रकट है, तो क्या खाएंगे? लेकिन मैया को ऐश्वर्य दिखाने के लिए जब उनके समक्ष गए, मैया ने मुंह छोटी छोटा उनका मुंह पतली उसको खोला तो देखा उसमें एक नहीं अनंत ब्रह्मांड उस मुखारविंद के अंदर है। तो उसमें देख करके एकदम भयभीत हुई, चकरा गई कि जाता है बार बार। देखो यहां पर अगर देवकी मैया होती तो देवकी मैया हाथ जोड़ करके हाँ ये नारायण है, भगवान है, और उनकी स्तुति स्तोत्रों से करती, प्रार्थना करती। लेकिन यहां देखो विपरीत दिशा, क्योंकि यहां प्रेम का भोग लगाएंगे, लेकिन तुमने कहा ये पाते हैं अर्थात खाएंगे? हाँ बिल्कुल खाएंगे, इंद्र ने आज तक आपका भोग बना हुआ, भोग को लगाया नहीं, खाया नहीं। तो ठीक है, नंद बाबा ने सबको दे दिया, समस्त ब्रजवासी आज गिरिराज जी चलेंगे और गिरिराज जी जाकर के भोग। तो वहां मैया ने बोला, अरे तुम किसकी बातों में आ रहे हो? ये लाला है, छोटा है, अभी बुद्धि नहीं है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, और तुम उसकी बातों में आ गए? भगवान श्री की बातों में क्यों आ गए? क्योंकि वो भगवान है। कितने प्रेम से अपनी बात को मनवाने की कला सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अंदर है। वो वाक्पटुता रखते हैं हर प्रकार से। ये महामंत्र कीर्तन करते हुए सब जा रहे हैं और पहुंच करके वहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ये है ठाकुर, गिरिराज महाराज सबसे बड़े ठाकुर हैं, आप इनको दंडवत प्रणाम कीजिए। समस्त ब्रजवासियों ने वहां पर दंडवत प्रणाम किया और कहा अब इनको प्रेम से तुलसी का पत्ता देकर इनको भोग लगाइए। तो सबने अपनी अपनी टोकरिया गिरिराज जी के तलहटी पर रखी और भगवान ने उनको कहा कि अब इनका भोग लगाइए। तो नंद बाबा ने उनका भोग लगाया, नारायण का स्तुति करते हुए भोग लगाया। और यहां पर सबने देखा कि अभी तक इन्होंने पाना शुरू नहीं किया गिरिराज जी ने, अब तो भगवान देख रहे हैं कि भोग का मंत्र भी बोल दिया गया और अभी तक जो है गिरिराज जी ने खाया नहीं। उन्होंने कहा बाबा बाबा घंटी तो बजाओ। अब जब घंटी बजाई तो एकदम से उसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसी स्वरूप में प्रकट हुए और बड़े बड़े हाथ, लंबे लंबे हाथ निकले और उसमें से किसी का टोकरा से पकौड़ा उसको खा रहे। आयो आने दो, आने दो, आने दो, सब कुछ खा गए और जो कुछ बना सारा कुछ भोग लगा दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए, सभी मत रह गए कि गिरिराज महाराज प्रकट हो गए और उसमें से सुंदर मुखारविंद हाथ, सुंदर चरण कमल प्रकट हुए और उसमें से समस्त पकोड़े, लड्डू इत्यादि सब चट कर गए गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज की, तो ये देख करके सब तो आश्चर्यचकित रहे, अरे लाला उसके जो सखा है कृष्ण भगवान के क्या करें, इनका ही हमें भजन करना चाहिए। और वहां से उन्होंने पूरे गिरिराज की परिक्रमा की करते, उनको पूरा आनंद आ रहा है और गिरिराज की पूरी परिक्रमा करते करते उन्होंने संकीर्तन किया। संकीर्तन क्या करते थे? सिर्फ कृष्ण भगवान की लीलाओं का स्मरण करते उसी को गाते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण चंद्र को खूब स्मरण करना चाहिए, उनकी लीलाओं को खूब गाना चाहिए। बालक से गिरिराज महाराज की। देखो परिक्रमा कैसे कर रहे थे गिरिराज। परिक्रमा में सर्वप्रथम जितने संत और ब्राह्मण सब के सब चल रहे थे, बोले उनको पीछे पीछे कौन चल रहे थे? बोले जितने गैया भी परिक्रमा की, बोले उसको पीछे जितने ब्रजवासी, उसको पीछे गोपियां,
और सबसे पीछे से राधा रानी चल रही थी। जब परिक्रमा कीर्तन करते करते चल रहे थे परिक्रमा, पीछे एकदम राधा रानी और बीच में कृष्ण। अभी राधा रानी की इच्छा हो रही है, अगर कन्हैया मेरे सचमुच से प्रियतम होएंगे, एक बार मेरे को कृष्ण दर्शन दे दे। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, अभी तो राधा रानी सबसे पीछे और बीच में तो मैं हूँ। बोला गिरिराज बाबा की, बोला श्री गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधा। पहना दो फूल की माला थी ना यहाँ पर, कहाँ से पीछे पीछे से माला दे दो गिरिराज को। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधेश। हरे कृष्ण पहना दो जल जल जल। बोले श्री गिरिराज की। अभी बीच में कृष्ण और सबसे पीछे श्रीमती राधा रानी। अभी राधा रानी सोच रही हैं, अगर कृष्ण सचमुच से अगर मेरे प्रियतम होंगे, एक बार कृष्ण मेरे को मन की भावना। कृष्ण समझ गए, बोले कैसे दर्शन दूं। इतने में जो गैया चरना लकुटी थी, उन्होंने लकुटी को उन्होंने ऊपर में फेंकी। फेंक करके जब उसको छलांग लगा करके पकड़ने के लिए गए, अभी राधा रानी की दो आंखें और कृष्ण की दो आंखें मिलकर के एक बास। राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई। बोले श्याम सुंदर मेरी मन की भावना को समझ गए और थोड़ी दूर गए। अभी राधा रानी सोच रही हैं, राधा रानी की इच्छा हुई कृष्ण और एक बार मेरे को दर्शन दे दे। अभी कृष्ण सोचे कैसे कृष्ण को दर्शन दो। कृष्ण का जो लकुटी थी ना, वो लकुटी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई है। इतने में कृष्ण वो लकुटी को ऊपर ऊंचा की तो वो थी, इसमें कृष्ण की जो प्रतिबिंब वो हीरे जवाहरात में झलकी। पढ़ते ही राधा रानी पीछे थी, इतने में वो हीरे जवाहरातों में ही श्री राधा रानी कृष्ण दर्शन कर ली। ऐसे करते करते सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी। जब ब्रजवासियों ने कृष्ण को भोग लगाए, अभी गिरिराज संतुष्ट हो गए। बोले हे ब्रजवासी, इसलिए जब ब्रजवासियों ने भोग लगाए ना, एक स्वयं गिरिराज जी विशाल रूप धारण किया। बोले देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूं, आज का दिन जिसने एक अन्न की दाना के बल मेरे सेवा में लगा दी, मैं उनका आशीर्वाद देता हूं। किसी जीवन में, कल एक जीवन नहीं, कहते किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र कभी अभाव नहीं पड़ेगी, उसको घर में मां लक्ष्मी भरपूर रहेगी। किसने बोले कि गिरिराज स्वयं ये वरदान दिया। अगर कभी आप गिरिराज गोवर्धन जाओ, देखना जहां दान घाटी है ना, 12 महीना वहां पर गिरिराज की अन्नकूट की भोग लगती है। 12 महीना अन्नकूट महोत्सव होता है, देश विदेश से लोग आकर के, क्योंकि गिरिराज के पास में जो कुछ मनोती रखो ना, गिरिराज सब पूरी कर देते हैं। इसलिए सारी दुनिया से लोग आकर के श्री गिरिराज को, सबके सब गिरिराज की पूजा करते हैं और अन्नकूट महोत्सव करते हैं। लेकिन हमारे बड़े गुरु जी एक बात कहते थे, बोले देखो गिरिराज तो सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन इनको पास में कोई छोटे मोटे चीज मत मांगा करो। के पास में ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो ना जीवन में सब कुछ। बोले वो क्या है? बोले भगवान की भक्ति, गिरिराज की सेवा और उनकी प्रार्थना करो। अगर भक्ति धन आ गया तो सारे धन घर में अपने आप आ जाएगी। इसलिए हमारे बड़े गुरुजेव ये बात को कहा करते थे। इसलिए आज हम लोगों का बड़े सौभाग्य, किसी आज किसी भक्त ने सबसे बात दी है। किसने दिया है? किसने दिया है? हाँ देखो कि राजेश अग्रवाल। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जय जय राधे। हाँ देखो
अभी थोड़ी देर बाद में गिरिराज को हम बीच में रखेंगे, लेकिन आप लोग सबके सब उसकी परिक्रमा चार बार परिक्रमा करके जाना और गिरिराज से जो प्रार्थना करना गिरिराज जी आपको सब झोली भर देंगे। अभी हम लोग अभी एक रोज माला करते हैं ना, आज एक माला भी आज जप करेंगे, लेकिन उसी विषय में एक छोटी सी स्टोरी हमारे श्री जीत प्रभु जी एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे 5 मिनट में और एक माला जप करेंगे। आप लोग सभी गिरिराज की प्रसाद लेकर जाना, क्योंकि गिरिराज प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। गिरिराज की जो एक बार प्रसाद पाए ना, उनका जीवन भी धन्य हो जाता है, क्योंकि ये गिरिराज को किसने पूजा की? बांके बिहारी ने। दुनिया बांके बिहारी को पूजा करता है, लेकिन ये बांके बिहारी किसको पूजा की? गिरिराज को। बांके बिहारी को दुनिया परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये परिक्रमा को लगाई किसने? स्वयं बांके बिहारी। ब्रजवासियों को साथ में, इसलिए इनकी परिक्रमा की, इनकी प्रसाद की बड़ी महिमा है। इनकी प्रसाद भी एक बार कोई पा लेना, उसको भी घर में धन दौलत उस घर में भी भर जाती है। इनकी प्रसाद की इतने महिमा। अभी एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ, फिर एक माला जप करेंगे और सबके सब प्रसाद लेकर जाना। और यहाँ पर आपको पीछे कुछ ग्रंथ है, बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, ज्यादा कोई 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया की एक बड़ी सुंदर सुंदर ग्रंथ बिक रहे हैं। ये ग्रंथ जैसे हम तो चले जाएंगे, लेकिन फिर आप लोग किसका सहारा लोगे? ये ग्रंथ को अगर पढ़ोगे फिर तो उसमें सारी ये कथा लिखी हुई, आत्मा की छिपे रहस्य, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, बड़ी प्यारी प्यारी। आप लोग कोशिश करना जरूर, जैसे घर में न्यूज पेपर आता है एक दिन ही पढ़ लेना फिर उसको फेंक देते हैं, लेकिन ये अगर ग्रंथ अभी माला मत देना, थोड़ी देर बाद पढ़ जाओ। इसलिए अगर ग्रंथ जब तक रहेगा आपका बच्चे भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, हैं? इसलिए ये ग्रंथ आपको घर में अनमोल रत्न बन करके ग्रंथ रहेगा। जरूर एक एक ग्रंथ वहां से लेकर के जाना, बड़ी सुंदर सुंदर, कोई ज्यादा पैसा नहीं है, जरूर ग्रंथ लेकर के जाना। तो बोल दो ज्ञान सलाकयालितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पञ्चाकल्पद कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण। प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, विशेषकर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और हमारे मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जिसने भी वैष्णव लोग, वैष्णवी माताएं, प्रभु लोग कथा में आए हुए हैं, सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हमारा बहुत ही सौभाग्य का दिन है, पिछले 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, इतनी सर्दी में भी बैठकर बड़े ध्यान से लोग सुन रहे हैं। सर्दी में भी अभी पंडाल हट गया, महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे कल के बाद, कथा विश्राम होगी, इस पार्क में इतनी सर्दी में कोई बैठेगा? तो ये जो महिमा है किसकी महिमा है? भगवान के शुद्ध भक्तों की और भगवान की कथा की। अभी इतने सारे भक्तों ने इतनी सुंदर सुंदर कथा सुनाई और महाराज जी पिछले 6 दिन से कथा सुना रहे हैं कि क्या करो, भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान को प्रेम करो। क्यों? क्योंकि एकमात्र जो प्रेम के जो पात्र हैं, प्रेम जो होता है वो भगवान से होता है और भगवान हमारी रक्षा करने में, वास्तव में रक्षा करता हमारे भगवान ही है। तो महाराज जी कहते हैं एक सुंदर सी कथा, हर भागवत में महाराज जी ये कथा सुनाते, स्टोरी है, कहानी है, और इस कहानी में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, भागवत की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। महाराज जी ने मेरे को आदेश दिया है वो कहानी में सुनाऊं और उसका तात्पर्य भी हम लोग समझे, परंतु उस कहानी को सब लोग ध्यान से सुनना।
मैं बीच में पूछूंगा आप लोग तो ध्यान से उसको सुनाना तो फिर अच्छा आनंद आएगा। बड़ी सीधी सादी कहानी है, बहुत सीधी सादी, पर यदि हम इसको सुन लिया और समझ गया तो बहुत लोगों का जीवन इससे परिवर्तन हो गया। महाराज जी जगह जगह भारत में, बेंगलोर में, बंबई में, दिल्ली में जगह जगह कथा सुनाते हैं और कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है। तो आप लोग ये कथा को ध्यान से सुनो और इसको जीवन में अपनाने का प्रयास करो। एक राजा की चार रानी, हाँ ऐसी बताते रहना, भूल जाऊं तो याद दिलाना। तो एक राजा जो पहली रानी को बहुत प्रेम करता था, जो भी उसकी आवश्यकता की वस्तु थी उसको ला के देता था। रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, यदि रानी ने कहा मिठाई ला के दो तो मिठाई लाने का, रानी ने जो वस्त्र पहनने का, ये साड़ी चाहिए तो वो साड़ी, गोलगप्पे खाने तो वो गोलगप्पे खाना, टिक्की खाना तो टिक्की, जो भी आवश्यक की वस्तु राजा पहली रानी को बहुत प्रेम करता था उसको ला के देता था। और जो दूसरी रानी, वो राजा बहुत सुंदरी रानी थी, राजा जहां भी जाता था अपनी पार्टी में सबको उस रानी को लेके जाता था और दिखाता, देखो मेरी ये जो पत्नी है कितनी सुंदर है दूसरी रानी, हर जगह उसको दिखाता था। और राजा की जो तीसरी रानी थी उसको अपने सुख दुख की बात, अपने मन की बात तीसरी रानी से राजा करता था। और चौथी रानी थी उसको राजा ने जिस दिन से शादी हुई है कभी उसको देखा नहीं, कभी उससे बात नहीं की और कभी उसको पूछा नहीं साड़ी बिंदी आदि आदि खाना पीना कभी कुछ, पर चौथी रानी राजा को वास्तव में प्रेम कर दी थी। एक दिन राजा का अंतिम समय आया जाने का, तो राजा को बड़ा अहंकार था कि मैं तो चार चार रानी है मेरी, तो मेरी तो चारों रानी मेरा साथ देंगी, मैंने उनके लिए इतना किया। तो जो पहली रानी थी जिसको राजा बहुत प्रेम करता था और जो वस्तु उसको ला, जिसकी डिमांड करता जब भी रात के 10 11 12 बजे लाके देता था, उसने पहली रानी से जाकर पहली रानी से पूछा, अभी देखो मैं वृद्ध हो गया है, मेरा अंतिम समय हो गया जाने का, अभी तुम मेरे साथ चलोगी? तो आप बताना, जिसको आप भी बताओ, महाराज जी हर कथा में बताते हैं कि पहली रानी है, ये हम सब की कहानी है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें पूरा जीवन दिया, प्राण देके तुम्हारी सेवा की, जो वस्तु तुमने मांगी वो लाके दी, कहते तो तुम्हारा धर्म था, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। और जो दूसरी रानी है, दूसरी रानी जिसको सब जगह दिखाता था राजा, सबसे सुंदरी, सबसे सुंदरी थी, उसको राजा ने कहा ये तो मेरे काम नहीं आई, बड़े राजा के पैर से जमीन खिसक गई और दूसरी रानी से पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे, मेरा अंतिम समय आ गया। तो रानी बोली मैं इंतजार करी, तुम कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी, क्योंकि मैं देखो कितनी सुंदरी हूँ, मेरे से कोई भी शादी कर लेगा। तो राजा तो देखता ही रह गया, तो राजा का बड़ा होश उड़ गया। परंतु राजा तीसरी रानी के पास जब गया, बोला तीसरी रानी से बोला मेरा अंतिम समय आ रहा है और मैंने अपने सुख दुख की सारी बात तुम्हारे से किया, तुम्हारी सेवा भी किया, तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने तीसरी रानी ने कहा कि हाँ, मैं कम से कम बोला कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर कहाँ तक चलेंगे? दरवाजे तक। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, थोड़ी दूर दरवाजे तक चलेंगे, वहां आप तुमको छोड़ के आ जाएंगे। और जो चौथी रानी थी, जो चौथी रानी थी जिसको कभी देखा नहीं, अभी राजा की हिम्मत भी नहीं हुई से पूछने की तुम मेरे साथ चलोगे, पर जब राजा चौथी रानी के पास गया और पूछा कि तुम मेरे साथ, बड़े डर डर के पूछ रहे थे तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि कभी देखा नहीं उसको, तो चौथी रानी इंतजार में बोली, बड़ी खुश होके बोली, हाँ आप जहां जाओगे मैं वहां ही जाऊंगी, तुम सुख में रहोगे मैं सुख में रहूंगी, मैं दुख में रहूंगी तो मैं दुख में रहूंगी। एक कितनी सुंदर सीधी सादी स्टोरी समझ में आई है। अब आप ये बताओ, जो पहली रानी है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हर कोई, हम सबकी चार रानी है, आप बता सकते हैं पहली रानी कौन है या पहला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कौन? शरीर। यहाँ तो सब लोग होशियार है। पहला जो शरीर है जिसके लोग हम लोग सब लोग पूरा जीवन मेहनत करते हैं, आप जानते हैं शरीर के लिए क्या करते हैं, सुबह अच्छे सर्दी लग जाए तो सर्दी के कपड़े पहनते हैं,
गर्मी लगती तो गर्मी के कपड़े पहनते और क्या करते, इसको सुंदर सुंदर सर्दी में गर्म गर्म चीज खिलाते, गर्मी में ठंडी ठंडी चीज खिलाते और इसके लिए क्या करते, कभी कभी अगर इसको गोलगप्पे खाने की इच्छा हो जाए तो गोलगप्पे खिलाते और क्या ब्यूटी पार्लर में जाते तो घंटे घंटे इसको रोज सजाते, कौन कौन सी टब साबुन से, कौन कौन सी साबुन है नहलाते हैं और कौन कौन सी क्रीम है घंटे घंटे लगाते हैं। परंतु जब अंतिम समय आता है, ये शरीर भी हम बोलते हैं शरीर साथ चलेगा, एक कदम भी हमारे साथ नहीं चलता, एक कदम भी शरीर वहां का वहीं रखा रह जाता है। और यदि कोई भी बोलो, जैसे कोई हमारे बहुत सुंदर महाराज जी कहीं कथा सुना रहे थे कि देखो ये अंतिम समय शरीर भी काम नहीं आता, शरीर वाले क्या कहते हैं, कुछ सोना वोना पहना होता है ना यदि स्त्री का, या तो उसको सोना को बोलते धीरे से कहते भैया सोना तो निकाल लो, ये तो जा रही है कम से कम सोना तो निकाल लो, कुछ भी काम नहीं आता और शरीर भी हमारे काम नहीं आएगा जिनका हम परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरी रानी क्या है, पैसा, पैसा। दूसरी रानी है पैसा, जिसको हम सब जगह दिखाते हैं बहुत सारा जीवन कमाने में, आठ आठ घंटा, दस दस घंटा, बारह बारह घंटा जॉब कर रहे हैं, आके सो जाते फिर कमा रहे हैं और बिजनेस में लग रहे पूरा जीवन इसमें दिया, पर अंतिम समय बोलेगी तुम मेरे साथ चलोगे तो वो क्या कहते हैं, पहली दूसरी रानी ने क्या कहा, मैं तो इंतजार कर रही हूँ तुम कब मरोगे और मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। इसका तात्पर्य क्या है, जिस धन को हम आपके मरने के बाद तुरंत हमारे संतान या जिसकी संतान ने पड़ोसी ले लेते हैं ट्रांसफर, अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, तो हम लोग जितना परिश्रम करते हैं धन भी हमारे आएगा। और तीसरी जो रानी है वो क्या है, जिसके जो जिसने कहा कि मैं कम से कम कहां तक चलूंगी तुम्हारे धर्म, वो कौन है, वो हमारे रिश्ते नाते संबंधी परिवार वाले, स्त्री स्त्री बच्चे संबंधी आदि आदि है, नियम है भारत भारत में स्त्री कहां तक जाती है, अगर कोई मर जाए तो दरवाजे तक जाती है, और रिश्ते नाते कहां तक जाते हैं, शमशान घाट तक, और वहीं से क्या करके आते हैं, टाटा बाय बाय करके वहां से आ जाते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। परंतु चौथी रानी जो है, जिसको हम जीवन में निग्लेक्ट करके रखे, अभी भी उसको पूछते नहीं, वो कौन है, कृष्ण का नाम, वो भगवान का नाम है, भगवान स्वयं है, वो हमारे इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, कोई भी हमारा करीब नहीं है, हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं कभी हमसे दूर हो जाते हैं आठ आठ घंटे के लिए, हमारे पति भी जॉब करने के लिए आते हैं, किसी किसी के पति तो बहुत दूर विदेशों में जॉब कर रहे हैं वो आते हैं, और कभी कभी हमारे रिश्ते नाते भी आते हैं, पर भगवान इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए, और उनका वादा है कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, सारा जगत छोड़ के चल तो कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए शास्त्र में बताया से संबंध ना ही जार वृथा जन्म गेल तार, जो भगवान को नहीं जान पाया, एक अपने प्रभु से संबंध नहीं बनाया और जगत में बहुत संबंध बना लिए, कहते हैं हमारे फेसबुक पे इतने संबंध है, हमको इतना लाइक करते हैं, 1000 लाइक है, 25000 है, 1,00,000 है, कोई भी काम नहीं आया, जब तक लाइक करते जब तक जेब में पैसे हैं, लोग कहते हैं आप कैसे हैं, पैसे कौन आप कौन, तो जगत के जो लोग हैं वो क्या है, कोई भी लाइक वाइक नहीं, जब तक आपके पास कुछ है, संपत्ति है, सौंदर्य है, जब तक आपको मान रही, जिस दिन नहीं रहेगा कोई भी आपको मानेगा नहीं, पर भगवान एक ऐसी वस्तु है, भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपामय हैं, वो हमें हर व्यक्ति को प्रेम करते हैं, कोई बूढ़ा हो, बचपन में हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो या धनवान हो, हर को प्रेम करने वाले कौन है, हमारे जो प्रभु हैं भगवान, वो ही पूछने वाले, पर हमने उनको क्या किया, चौथी रानी की तरह उनको सबसे नेग्लेक्ट करके रखा है, उनको पूरी एनर्जी किसमें लगा रहे, आठ घंटा नौकरी, आठ घंटा परिवार में और शरीर में, बच्चों में, परिवार में लगा रहे, पर एक दो घंटे भी उस प्रभु के लिए हम दे नहीं पा रहे। यदि हम समझदार है, बुद्धिमान है और जिन्होंने भी भागवत कथा सुनी है, वो क्या करें, उस रानी को प्रेम करें जो जन्मों जन्मों से हमारा इंतजार कर रही है और हर जन्म में हमारे साथ जाने को तैयार है, इसलिए क्या करें, वो चौथी रानी स्वयं बार बार यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, बार बार जगत में आती है, आविर्भूत होती है और बार बार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को भेजती है,
धर्मान परिजे महान शरणम ब्रज। हाँ देखो क्या है, ये भगवान की भक्ति और ये ठाकुर जी का नाम है, हैं? किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ी हरि नाम करो, एक दो माला करो, बोलेगा मेरे पास में समय कहाँ है, ये सब बेकार काम है, जिसका कोई काम धंधा नहीं ना, वही सब माला लेकर के भैया हरि नाम हरे कृष्ण जी, मैंने राम रतन धन पायो हैं, यही धन ही अंतिम समय में जाने वाले हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करनी चाहिए, ये चौथी रानी का प्रति प्रेम रखनी चाहिए। इसलिए सवेरे उठ करके बड़े गुरु जी कहते थे सौ काम छोड़ करके अपना भोजन करो, हजार काम छोड़ कर अपना काम धंधा करो, लेकिन करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, क्योंकि इसी जीवन में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और किसी जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये तो देवताओं के लिए भी मानव शरीर भारत में पर हिंदू घर में सनातन धर्म में जन्म लेना बड़ी सौभाग्य की बात है। देखो तो यहाँ पर पास में इस्कॉन है ना, हम लोग हमारे बड़े गुरु जी का तो बहुत सारे शिष्य है, जब कोई अमेरिका लंदन फ्रांस से आते हैं यहाँ पर, जब उनकी वीजा खत्म हो जाती है, जानते हो क्या कहते हैं, भगवान हमें क्यों नरक में जन्म दिया है, स्वयं दुखी होते हैं, कहते भारत में भगवान की भक्ति राम राम कृष्ण कृष्ण वृंदावन में राधे राधे कहते, हमारे देश में कहीं राधे राधे नहीं, कहीं कृष्ण नहीं, भक्ति के कोई चारी तरफ में गो मांस की बदबू, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, बड़े दुखी होते हैं हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य, और ये वीजा बनाने के लिए नेपाल जाते हैं, किसी तरह से दो महीना एक महीना कैसे यहाँ वीजा कैसे मिल जाए, हम इंडिया में कैसे रहे, कैसे भगवान की थोड़ी सी हम भक्ति करें, लेकिन भगवान कृपा करके हमें वो भारत में जन्म दिया है। भारत मतलब क्या है, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब जो प्रकाश का तरफ में रहते हैं, वो प्रकाश क्या है, वो भगवान की भक्ति। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और रोज रोज सवेरे उठ करके कुछ माला जप करो, कुछ भगवान की माला जप करो। इसलिए जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, अब लोग अगर कथा के बाद में अगर यहाँ आओगे ना, देखो हम दो तरह से माला देते हैं, ये चीज को समझो, जो व्यक्ति मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज नहीं खाते हैं, हम उनको तुलसी माला देते हैं, बोले तुलसी माला जप करने के लिए, फिर गले में भी तुलसी की कंठी देते हैं। वो बच्चा बोल रहा था ना, ये तुलसी कोई लकड़ी नहीं है, जब हमारे स्वामी महाराज जो इस्कॉन का स्थापन करता जब अमेरिका में गए, बोले भैया गले में तुलसी कंठी पहनो, बोले ये लकड़ी क्यों पहने, हमारे घर में सोने चांदी की कमी थोड़ी, ये लकड़ी क्यों पहनेंगे, तो उन्होंने हमारे वेद पुराण से श्लोकों को उठा उठा करके बोले ये लकड़ी नहीं है। जब उन लोगों ने जब बोले, बोले भैया हिंदू लोग पेड़ पूजा क्यों करते हैं, तुलसी पेड़ है ना, परिक्रमा करते हैं पूजा करते हैं इसको प्रणाम करते हैं। तब अमेरिका में रिसर्च किया, ये भारतीय लोग क्यों ये पेड़ पूजा करते हैं, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए दुकान से एक दवा ढूंढना उसका नाम तुलसी पावर, खुद पढ़ना उसमें क्या लिखा हुआ, 200 बीमारी की प्रतिषेधक मेडिसिन तुलसी वृक्ष में, रोज रोज दो तुलसी पत्ता खाएगा ना, कभी उसको कैंसर टीबी कभी नहीं होगी, इतने हमने देखा है, हमने ये चीज को देखा है। एक माता जी को कैंसर हो गया, डॉक्टर जवाब दे दिया केवल तुलसी पत्ता के रस से उसकी कैंसर सही हुई, इतने मेडिसिन, गले में कंठी होना, स्नान करते ही सारा पानी सारा शरीर में जाएगी, सारे बीमारी निकाल देती है, और जो तुलसी कंठी पहन करके स्नान करती है सारे तीर्थ में उसकी स्नान होती है। ये लकड़ी नहीं, माँ लक्ष्मी स्वयं है, अब तो हिंदू है, देखना तुलसी पौधा को नारायण को साथ में शादी करवाते हैं, तुलसी में बांके बिहारी की प्रतिष्ठित ऐसी नहीं है। इसलिए जम महाराज जम दूतों को बोले देखो जो भक्ति करता है मेरे पास में मत लाना, बोले पता कैसे चलेगा, किसकी शरीर में तो लिखा नहीं होता है। उन्होंने क्या बोले, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता, जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, और जो फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई
छोड़ता नहीं, इसलिए गले में कंठी है ना, हम ठाकुर जी की बांके बिहार जी की, हम पालतू है, ठीक है ना? पालतू बनोगे ना, फालतू बनोगे, क्या बनोगे? पालतू बनना, फालतू नहीं बननी चाहिए, ठीक है? और देखो तुलसी पढ़ने का नियम है, ऐसे नहीं मांस मछली खा रहे हो गले में कंठी पहन लिया, और ये कंठी पहनने का नियम है किसी भक्तों का हाथ से लो, ऐसे नहीं गला खर्द किया और पहन लिया, किसी भक्तों की हाथ से ये कंठी माला लेनी चाहिए, इसकी विशेष महत्व है, विशेष महत्व है, इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम कंठी धारण करेंगे, हम माला जप करेंगे, जरूर माला लेना, क्योंकि जो अभी मांस मछली व अंडा खाते हो आपको भी माला देंगे, बोले कौन सा माला, बोले नीम की माला हमको देते हैं, बोले इसमें हरि नाम करते रहो, हरि नाम करते जितना प्रभु की नाम करोगे ना अपनी आप ही गंदी चीज खत्म हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी फिर तुलसी की माला लो गले में तुलसी, लेकिन ये माला जरूर लेकर के जाओ, ठीक है? अभी तो एक 5 मिनट लगेगा, एक माला जप करेंगे, इसको बाद में सबके सब प्रसाद लेकर जाना, सबके सब माला दे दो, सबके सब, हम तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर कितने भक्त बैठे, कम से कम 500 भक्त बैठे हुए होंगे, माला तो एक करेंगे लेकिन 500 माला करने की आपको फल मिलेगा, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये माला नहीं ये माल है, महाप्रभु बोले ना जो लखपति होगा उसका घर में खाना खाएंगे, लखपति मतलब जो 1 लाख ठाकुर जी की जो माला जप करते हैं वो असली लखपति है, इसलिए सबको दे दो माला, अरे माला लेना नहीं माला वापस देना है, और जिसकी इच्छा हुई यहाँ आकर के मेरे से माला ले लेना। हरे कृष्णा, देखिए मुझे पता है कि समय का अभाव है, लेकिन ये दो प्यारे छोटे से बच्चे हैं जो भजन गाना चाहते हैं, तो इनके उत्साह के लिए हम एक भजन गाना सा सुनते हैं, यश और कुश आगे है। अरे तुम माला जप करेंगे, जल 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 का, हाँ हाँ फटाफट बोलो बोलो बोल बोल बाके भी
आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन इसी भाव को लेकर के हरिनाम करो। जिनको पास में माला पहुंचा बहुत अच्छा, नहीं पहुंचा अब लोग साथ साथ में करो, आपको सब फल मिलेगा। और देखो कल है भागवत कथा की विश्राम, कल है ध्यान से सुना, कल भागवत कथा की विश्राम है, कथा इसलिए मैं कल कथा एकदम 7:30 बजे ये कथा को मैं विश्राम दे दूंगा, उसको आगे और मैं कथा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को न्यू दिल्ली स्टेशन में जाना पड़ेगा, मेरी 10 बजे वहां पर मेरी गाड़ी है, परसों से लगा था, इसलिए कल, इसलिए कोशिश करना अच्छी अच्छी साड़ी लाने के लिए राधा रानी के लिए। और कल रुक्मिणी, कल सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र में जैसे सुदामा जी कृष्ण को 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए कल भी अपना घर से कुछ कुछ चावल आप लेकर के आना, मैं यही ब्यास गति से आपको थोड़ा थोड़ा चमे चावल दूंगा, जो चावलों को एक कपड़े में बांध करके अपना ठाकुर जी को घर में रख लेना, उसको रखने से कभी माँ लक्ष्मी घर से जाती नहीं, घर में माँ लक्ष्मी हर समय आती है, वो चावल की बड़ी महत्व है, जैसे सुदामा की 2 मुट्ठी चिड़वा खा कर ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया था, घर से थोड़ा थोड़ा चावल घर से जरूर घर से लेकर आना। और कल कथा की विश्राम है और टाइम से कोशिश करना आ जाने के लिए, किसी तरह से 7:30 बजे में विश्राम करके फिर मैं चला जाऊंगा लखनऊ, ठीक है, सब आंख बंद कर दो मेरे साथ साथ में करो। हाँ बोलो, हरे कृष्णा, आप लोग जो भी सामान लेकर आए हैं, जो भी आपके बर्तन हैं, जितने भी बर्तन हैं कल सुबह लगा दिए जाएंगे, तो आप लोग अपने आगे बर्तन पहचान के ले जाइएगा, क्योंकि हमें संभव नहीं है कि हम किसके बर्तन किसको कहां पर दे पाएंगे, तो सारे बर्तन लाइन पे लगे होंगे, जिनके भी बर्तन रह जाएंगे या कुछ होगा तो वो सुबह वहां पर होंगे, तो आप लोग वहां से ले लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं गर्ग फैमिली का बहुत हृदय से साथ में सबके सब जोर जोर से हरिनाम करो, और इसका आवाज जितने दूर तक गूंजेगी सारे पाप दुख कष्ट सब नष्ट हो जाएगी। और जो व्यक्ति माला लेना चाहते हो, जैसे मैं रहता हूँ गड़ी में, अगर कोई गड़ी में आ जाओगे तो तुलसी माला दूंगा, गले में तुलसी कंठी दूंगा लेने के लिए, लेकिन अभी जो बोलेंगे नहीं हम केवल नीम माला लेना चाहते हैं, कथा के बाद में अगर आप आओगे मेरे पास में आपको मैं नीम माला दे दूंगा, और माला को जप करना, और जो राधा दासी है खड़े हो जाओ, जैसे हम तो चले जाएंगे लेकिन ये तो यहीं पर रहती हैं, जब तक हम भक्ति में जुड़े रहेंगे ना भक्तों के साथ में, फिर तो भक्ति पनपना तो ये बढ़ेगी, अगर माला ले लोगे भक्तों का संग नहीं करोगे फिर 2 दिन बाद में माला भी छूट जाएगी, जैसे पौधा लगाओ पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, वो सूख जाती है, जब भक्तों के साथ में जुड़े रहेंगे तभी भक्ति बढ़ेगी। राधा दासी जो व्यक्ति यहाँ माला लेंगे ना उनका नाम और फोन नंबर लिख देना, अब ये कागज पेन लेकर यही खड़े हो जाना, जब माला लेंगे उसका नाम लिख देना। हाँ, और एक अनाउंसमेंट है, जैसे ब्रजमंडल जो परिक्रमा होती है 84 क्रोश की, जो व्यक्ति ये 84 क्रोश की ब्रजमंडल परिक्रमा कर ले उसको 84 लक्ष्योजनी भ्रमण करना नहीं पड़ता है, लेकिन उसको परिक्रमा करने के लिए कम से कम 1.5 महीना लगता है, लेकिन वो 1.5 महीना परिक्रमा को हमारे मंदिर से केवल 7-8 दिन में गाड़ी में अगर कंटिन्यू परिक्रमा करते हैं वो 7-8 दिन में ही परिक्रमा पूरी हो जाती है। नियम है जीवन में एक बार परिक्रमा करनी चाहिए, अगर जिनकी इच्छा होगी हम भी वो परिक्रमा करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रजमंडल जो परिक्रमा कर ले बोले 6 अरब ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ की परिक्रमा हो जाती है ये ब्रजमंडल परिक्रमा जो करते हैं, क्योंकि कृष्ण ये ब्रजवासियों को लेकर के पृथ्वी का सारे परिक्रमा उन्होंने करवाया था ब्रजमंडल में ही, ये काम्य वन में केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण जुना देव सर्व सब ये काम्य वन में विद्यमान है, जिनकी इच्छा होगी हम भी 7-8 दिन के अंदर में पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं,
आपके लिए रहने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी, प्रसाद लाने के लिए व्यवस्था, गाड़ी में जाने के लिए सारी व्यवस्था होगी। आओ राधा दास जो दीदी है, तो आप अपना नाम दो, हम लोग ये परिक्रमा होगी, फिर ये आपको सूचित कर देगी, इसी तारीख से परिक्रमा होगी, फिर आप लोग हमारे साथ में परिक्रमा कर सकते हो, ठीक है। अभी माला जप करो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मुख सर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई ना कोई लेना नहीं पाप लगेगा सब वापस दे दो माला और जिनकी इच्छा होगी मेरे से यहाँ से आकर के माला ले जाना और जिनकी इच्छा होगी हम तुलसी कंठी तुलसी माला पहनेंगे अगर आप मेरे पास में अलग मिलोगे फिर तो माला को हम देंगे सब माला वापस दे दो कोई रखना नहीं पास में माला सबके सब एक कट इधर लो माला हाँ प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन की जय श्री जिनको भी गिरिराज भगवान का पूजन करना है जो आज के जजमान है वो आकर के सर्वप्रथम पूजन करें दीदी जी ये इसको गिरिराज वहाँ लेकर रख लो हम लोग गिरिराज की परिक्रमा कर लेना पहले माताएं कर लो उसको बाद में फिर भाई लोग कर लीजिएगा और देखो और एक चीज को याद रखो गले में जो सोने की चेन पहने हो अपना चेन को सावधान करके रखो थोड़ी सी उसको हटा लो चौकी दूर में फिर भाई लोग करेंगे दादासी आरती तैयारी राज की भजन करके आरती कर लो इसको उठा कर बीच में लेकर रखो इसको उठा करके बीच में रखो
Baba, 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 baba